वैभव जी आप बता देंगे। मैं लास्ट में एक बात करना चाहूंगा कि हमें जो पहले गंभीरता थी डेढ़ साल पहले हमारी इस मीटिंग के अंदर और प्रदेश के अंदर सरकार के अंदर, हमें एक चीज में वो गंभीरता लानी पड़ेगी, वो है वैक्सीन। और तो सब आप लोग बात करोगे आगे बढ़ोगे, पर वैक्सीन का अभियान हम कैसे चलाए बड़े रूप में, उसके लिए क्या क्या कदम उठाए वो आप अभी सोच लीजिए। अभी मैं जवाब नहीं चाहूंगा, परंतु आज शाम को या कल अपन वहां पर बात करेंगे 5-6 लोग, जिसमें कि ये अभियान स्कूलों में कॉलेज में कैसे मतलब हम लोग मोटिवेट करने पर, स्कूलों मतलब वो माँ बाप हो गए जाकर के करना कंपल्सरी, जब तनख्वाह रुक सकती है पंजाब के अंदर, तो आप सोच सकते हो कि भारत सरकार ने इसको लिया गंभीरता से, हमें भी उसी गंभीरता से लेना पड़ेगा, अभियान कैसे चले, दोनों डोर लड़ना जरूरी है। उस अभियान को हम पहले राजस्थान का भी ऊपर था, पता नहीं अभी 5-6 नंबर पे था पहले राजस्थान, अब तो फिर बताएंगे कभी क्या स्थिति है। सर अभी भी हम नेशनल एवरेज से आगे हैं सर, और इस महीने में अपना परफॉर्मेंस जो ओवरऑल मैं प्रेजेंटेशन में सबमिट करूंगा, जो पूरे भारत में जो गति आई है सर, गत माह के लास्ट में आपने सभी कलेक्टर्स को वीसी में निर्देश दिए थे, उसके बाद कलेक्टर्स ने काफी अच्छा काम किया, और इस माह में अब तक 94 लाख या 95 लाख वैक्सीन हम लगा चुके हैं सर, और हम कोशिश कर रहे हैं सर कि इस माह में अपना जो हाइएस्ट था सर अगस्त में 1,20,00,000 का, तो इस माह में अपन 1,20,00,000 की डोज जो है वो हम क्रॉस कर पाए सर। तो प्रगति तो आई है सर, पर निश्चित रूप से सर अभी भी गैप है, अपना जो फर्स्ट डोज है सर वो 88% है सर, 88.3, तो उसमें सर अभी भी 10% का जो गैप है सर, इसको हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है, और उसके लिए जैसा श्रीमान निर्देश दे रहे हैं सर विशेष अभियान चला करके, अब सर वो भी समय है सर जो आप फरमा रहे हैं कि कुछ रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स भी हम लगाएं कि बगैर वैक्सीन के यहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा, तो वो सर जैसा आप निर्देश देंगे सर। ठीक है सर, श्रीमान की अनुमति से मैं एक संक्षिप्त प्रेजेंटेशन रखना चाहूंगा, जिसमें कोविड की वर्तमान स्थिति और जो वर्ल्ड लेवल पे क्या पोजीशन है उसके बारे में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। सर जो टेस्टिंग लगातार हम कर रहे हैं और पॉजिटिविटी दर जो है सर राजस्थान में वो 0.08% है, ऑल इंडिया लेवल पे 0.56% है, जो एक स्पेशल श्रीमान के निर्देश पर राजस्थान में किया जा रहा है वो 100% जीनोम सीक्वेंसिंग का कार्य हम कर रहे हैं सर, कि जो भी पॉजिटिव्स हमारे आ रहे हैं उनको हम जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं सर। और कल सर मैं जो हेल्थ सेक्रेटरीज का ग्रुप है सर उस पर भी काफी स्टेट्स ये रिक्वेस्ट कर रहे थे सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हमने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेज रखे हैं और जो जीवाई की लैब्स है वहां से रिपोर्ट 15 दिन तक नहीं आ पा रही। उसके मुकाबले सर चूंकि श्रीमान के निर्देशन पे हमने SMS में ही फैसिलिटी डेवलप कर ली, तो हमारे पास जो 4-5 दिन प्रोसेसिंग टाइम है सर उसके बाद रिपोर्ट्स आ जाती है सर, उसके कारण से हमारा काफी इफेक्टिव काम हो पाया है सर। नेक्स्ट सर, अदर कंट्रीज को देखें सर, तो जैसे अमेरिका में केसेस काफी आ रहे हैं सर, 2,00,000 से अधिक केसेस अमेरिका में आने लगे हैं सिमिलरली पर डे सर 2,00,000। यस सर, 2,38,000। यस सर, और इसमें सर जो अभी US का आया था सर कि 75% अधिक ओमिक्रॉन है सर वहां पे, 75% से अधिक ओमिक्रॉन हो गया सर वहां पे, जो डोमिनेंट वेरिएंट है सर डेल्टा की जगह अब ओमिक्रॉन हो गया, वो 75% से अधिक है सर। ऐसे ही सर UK में 1,05,000 लगभग 1,00,000 केसेस है सर, वहां पर भी डोमिनेंट वेरिएंट जो है वो ओमिक्रॉन हो गया है। फ्रांस में भी 70,000-80,000 करीब आ रहे हैं सर, इंडिया में अभी 7,495 केसेस 22 तारीख को आए हैं, तो कोई विशेष ट्रेंड तो भी नहीं कहा जा सकता सर, बट डेफिनेटली केसेस 7,400 तो टोटल है, हाँ टोटल है, ओमिक्रॉन नहीं सर, ओवरऑल सर वर्तमान में जो स्थितियां है सर उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि ओमिक्रॉन सर क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलता है तो लार्जर डेटा तो हमें कोविड पॉजिटिव का ही आएगा सर, और ओमिक्रॉन जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पर जितने केस पता पड़ते हैं वो हमारे पास निकल करके आते हैं सर। हालांकि राजस्थान में चूंकि हम 100% जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, तो राजस्थान में तो जितने जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ओमिक्रॉन रिपोर्ट किए जा रहे हैं वही ओमिक्रॉन केसेस है, अदरवाइज नहीं है, बट अदर स्टेट्स के बारे में सर ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि वहां पर 100% जीनोम सीक्वेंसिंग की स्थिति नहीं है सर। नेक्स्ट सर, ये ओमिक्रॉन के केसेस जहां जहां पर आए हैं सर वो स्टेट्स हैं, सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में है सर, उसके बाद दिल्ली में है सर 64 केस,
फिर अदर स्टेट्स हैं सर, जैसे तमिलनाडु में 34 केस है, कर्नाटक में 31, केरला में 29, तेलंगाना में 24 और राजस्थान में 22 केस हैं सर। तो ये और बाकी कई अन्य राज्यों में भी आ गए हैं सर केसेस। राजस्थान में सर हमारे कुल 22 केस आए हैं, इसमें सीकर में 4 केस थे सर, जयपुर में 17 और अजमेर में 1 केस आया सर। ये अजमेर का 1 केस कल ही आया था जो कि बाहर से लौट करके आया सर। एक श्रीमान के माध्यम से मैं निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि ये टेंडेंसी निकल के आई सर 2 केसेस में, जहां पे लोग अपने इन्फेक्शन को छुपा रहे हैं सर। एक पेशेंट सर श्रीमान को ध्यान में होगा सर, बॉम्बे से एक बंदा आया था सर, वो पाली में आया, पॉजिटिव था, बॉम्बे में महाराष्ट्र ने हमें सूचित किया कि वो ओमिक्रॉन हो गया है। जब हमने उसे संपर्क किया तो उसने कह दिया मैं तो वापस बॉम्बे चला गया हूँ, जबकि वो था वहीं। फिर उसकी सर हमने कॉन्टेक्ट कॉल पुलिस के माध्यम से उसको सर्च कराया सर, वो अपने घर पे मिला, फिर उसे उठा के आइसोलेट किया सर। सेम केस कल अजमेर में हुआ सर, ये व्यक्ति 18 तारीख को आ गया था, पॉजिटिव आ गया, ओमिक्रॉन आ गया, बट उसने सूचित नहीं किया सर, मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, पर बड़ी मुश्किल से घर पे जाके इसको ट्रैक किया। हालांकि रहा घर पे तो स्प्रेड निश्चित रूप से नहीं किया होगा, बट जो भी केस आते हैं सर उनको सूचित जरूर कर देना चाहिए ताकि हम उनको अप्रोप्रिएट ढंग से आइसोलेट कर सकें और ट्रीट कर सकें सर। हालांकि सर सभी लोग 21 लोग इसमें से रिकवर हो चुके हैं सर, और एक व्यक्ति जो अजमेर वाला है सर, जो कल ही आया था, वो अभी अजमेर मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन में है सर। वर्ल्ड वाइड जो सिचुएशन है सर, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा है सर अभी ये, बाकी US में और यूरोप में काफी संख्या में ओमिक्रॉन के केसेस हमें मिल रहे हैं सर। जो COVID-19 की जांच है सर, वो हमारी लगभग 30,000 से 40,000 के बीच में चल रही है सर, हम इसको अब और बढ़ा रहे हैं सर। कल सभी CMHO के साथ हमने VC रखी है, तो इसको हमें और बढ़ाने के लिए निर्देश हम देंगे सर, और 50,000 डेफिनेटली इसको क्रॉस करना, उसके आगे में इसको लेकर के जाएंगे। नेक्स्ट, जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं सर, अभी हमारे लगभग 20 से 40 की रेंज में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा संख्या नहीं है सर, बट फिर भी पहले जो केस 2, 3, 4 आ रहे थे, वर्तमान में ये केसेस 20 से 40 के बीच में हैं, और लगातार इसकी मॉनिटरिंग, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और आइसोलेशन के कार्रवाई हम लोग इसमें कर रहे हैं सर। जो ज्यादा केसेस के जिले हैं सर, जिसमें जयपुर, अजमेर, बीकानेर और उदयपुर है सर, इन 4 जिलों में रिलेटिवली ज्यादा है, बाकी जगहों पर आइसोलेटेड केसेस आ रहे हैं, और इनफैक्ट सर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के बाद फर्दर स्प्रेड अभी तक इसमें नहीं आया है कि कोई पॉजिटिव आया और उसके फैमिली में बहुत ज्यादा स्प्रेड हो, एक्सेप्ट फॉर एक केस है जिसमें वो अफ्रीकन फैमिली थी और ओमिक्रॉन लेके आई थी, उसके 17 फैमिली मेंबर्स ग्रेजुअली ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए थे सर। नेक्स्ट, एक्टिव केसेस सर सर्वाधिक वर्तमान में जयपुर में है, छिन्नमय, अजमेर में 24 केसेस हैं, बीकानेर में 22, उदयपुर में 15, जोधपुर में 13, भीलवाड़ा हनुमानगढ़ में 10-10 केसेस हैं सर। तो ये वर्तमान में संख्या सर, बट संख्या बढ़े नहीं सर, इसको हमें देखने की जरूरत है। नेक्स्ट, इसका जो एनालिसिस किया सर, ये जो जयपुर 96 केस है, यस सर, ये सब अभी भर्ती है? नहीं सर, ये एसिम्प्टोमेटिक है सर, तो होम आइसोलेशन में है सर, जानकारी में हमारे। हाँ, जानकारी में है सर, मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं सर, उनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी अपन कराते हैं सर सभी लोगों की सर। सर नेक्स्ट सर, जो केसेस आए हैं सर, इसमें 61% जो केसेस हैं सर वो वर्किंग एज ग्रुप के हैं 20 से लेकर 60 तक, 20% केसेस 60 से अधिक आबादी के हैं, और 18% केसेस कम आबादी के हैं। नेक्स्ट सर, जो इनका एनालिसिस है सर, 54% केस में सिम्टोमेटिक थे सर, वो माइनर सिम्टम जैसे खांसी जुकाम टाइप के, एडमिशन की नीड ऐसे नहीं थी। उसके अलावा सर 83% जो है वैक्सीन डबल डोज और 8% वैक्सीन फर्स्ट डोज, 90% लोग जो है वो वैक्सीनेटेड हैं, परंतु चूंकि वैक्सीनेटेड है इसके कारण से उसमें कोई भी सीवीटी नहीं पाई गई है सर, तो ये काफी एक अच्छा सिम्टम है कि वैक्सीन काफी इफेक्टिव साबित हुई है सर। इस वर्तमान में हम देखें कि 90% लोग जो इन्फेक्ट हो रहे हैं वो वैक्सीनेटेड हैं, और उस कारण से उसमें कोई भी सीरियस सिम्टम्स नहीं है। नेक्स्ट लीजिए सर, जीनोम सीक्वेंसिंग का जैसा मैंने निवेदन किया सर, SMS मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है सर, आपने निर्देश दिए थे जोधपुर के लिए, तो वहां पर भी टेंडर होकर के वर्क ऑर्डर हो गए हैं सर जीनोम सीक्वेंसिंग जोधपुर मेडिकल कॉलेज में स्टार्ट करने के लिए, और
इस महीने के अंत तक मशीन सप्लाई हो जाएगी सर, इक्विपमेंट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। उनकी ट्रेनिंग हम जयपुर में करवा रहे हैं सर वहाँ की फैकल्टी की, तो जनवरी प्रथम सप्ताह से जोधपुर में भी जीनोम सीक्वेंसिंग का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। वर्तमान में जो जीनोम सीक्वेंसिंग करी सर उसमें 22 केस ओमिक्रॉन के हैं, बाकी डेल्टा या डेल्टा लाइक है। नेक्स्ट सर, जो महत्वपूर्ण है सर वर्तमान में वो हमारा वैक्सीनेशन है। वर्तमान में हमारा जो 88.5% फर्स्ट डोज लग गई है और 71.5% सेकेंड डोज लग गई है सर। और इसमें सर मैं आगे स्लाइड में पुनः निवेदन करूंगा कि यदि हम इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट के आधार पर चलें तो हमारा प्रथम डोज 92% है सर। बट हम अभी जो भारत सरकार ने चूंकि रेफरेंस सेंसस के आधार पर प्रोजेक्टेड डेटा लिया है तो उसके आधार पर हम देखते हैं तो 88.5% है सर। नेक्स्ट लीजिए, ये सर जो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि इस माह में हमारा वैक्सीन श्रीमान के जो निर्देश दिए थे सर आपने कलेक्टर्स को, कलेक्टर्स ने काफी अच्छी उसमें रुचि ली थी और उसके कारण से 96 लाख वैक्सीन डोजेस हम इस माह में अब तक लगा चुके हैं। अभी 8 दिन हमारे पास और बाकी हैं सर आज को मिला करके। तो मैं आशा करता हूं सर कि जो हमारा पीक था अगस्त में 1,20,00,000 का, उसको हम इस माह में क्रॉस कर पाएंगे, परंतु हमें और भी आगे इसको बढ़ाना है और वो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं सर। नेक्स्ट लीजिए, ये सर स्लाइड सेकंड की नहीं है अपने पास में सर, ये जो आपकी टीकाकरण प्रगति बताई आपने, ये दोनों मिक्स है फर्स्ट एंड सेकंड डोज की सर, वो भी है सर, फर्स्ट की अलग और सेकंड की अलग नहीं है क्या सर? जो दोनों डोज में मिक्स यदि हम देखें सर तो 80% तो सेकंड डोज है सर, 20% फर्स्ट डोजेज हमारी लग रही है। मंथली मालूम पड़ता सर सेकंड डोज कितने लोग आ रहे हैं सर? वो है सर, मैंने बाद में करने को बात मैं आगे कर दिया था उसको, मैं निवेदन करूंगा सर। नेक्स्ट सर, ये यदि ऑल इंडिया लेवल का और हमारा ट्रेंड देखें सर तो जैसे अगस्त और सितंबर में पीक किया था सर, उसके बाद नवंबर और दिसंबर में आप देखें सर तो ऑल इंडिया लेवल पर वैक्सीनेशन थोड़ा डाउन जा रहा है, जबकि राजस्थान ने काफी अच्छे से इसको पीक किया सर, काफी स्टीप इंक्रीज राजस्थान ने इस महीने में किया सर श्रीमान के निर्देशानुसार, और ये एक अच्छा सिम्टम है सर। इसको हमें परंतु और अधिक बनाए रखना है क्योंकि वैक्सीनेशन ही सबसे कारगर उपाय है सर वर्तमान में जो कोविड की परिस्थितियां हैं या ओमिक्रॉन या जो भी वेरिएंट आता है उसके लिए, तो इसको हमें लगातार पेस को बनाए रखना पड़ेगा सर, उसको और आगे ले जाना पड़ेगा सर। सर जो श्रीमान अभी जानना चाह रहे थे सर, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये भी हुआ सर इस माह में कि गत माह तक हमारा जो सेकेंड डोज का प्रतिशत ज्यादा था, फर्स्ट डोज कम हो रही थी, इस महीने में हमारी सेकेंड फर्स्ट डोज का भी प्रतिशत बढ़ा है सर। ये सर जिलेवार यदि एनालिसिस देखें सर तो अब 75% से कम में कोई भी जिला नहीं है। 3 जिले सर, जालौर, भरतपुर एंड करौली, जहां पे 75 से 80% के मध्य है। हालांकि सर इसमें जालौर का लगातार ये रहता है कि उनके लगभग 2 लाख लोग माइग्रेंट्स हैं, उनको यदि हम हटाएं तो जालौर भी अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। भरतपुर में भी सर अच्छी मेहनत करी गई सर श्रीमान के निर्देशों के उपरांत, वहां पे एक जो कामा बेल्ट है सर वहां पे कुछ रेजिडेंस था लोकल लेवल पे, तो विशेष प्रयास करके वहां पे वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया गया। करौली ने भी सर लगभग 80% कर लिया है, तो कुछ निश्चित रूप से प्रगति हुई है सर, बट इन जिलों में अभी और इसको तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है। सिमिलर सर जो 80% और जो हमारा एवरेज सर 88% है उसके बीच में सारे जिले हैं सर, इन सभी जिलों से लगातार हम समीक्षा कर रहे हैं सर। डेली भी हमारी व्हाट्सएप ग्रुप पे चर्चा होती है और वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए हम उनको निर्देश देते हैं सर, और जैसा आपने अभी आदेशित किया है कि एक विशेष अभियान इसका चलाया जाए और स्पेशली स्ट्रेटेजी बनाई जाए सर, तो इसका एक विशेष अभियान चलाने के लिए और स्ट्रेटेजाइज हम लोग करके कार्य योजना आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे सर। नेक्स्ट, और ये वो जिले हैं सर जो बेहतर कर पा रहे हैं सर, जिसमें सर गत बार प्रतापगढ़ के बारे में निवेदन किया था सर, उन्होंने 100% वैक्सीनेशन करा लिया, बूंदी ने भी सर अब 100% वैक्सीनेशन का अचीवमेंट किया है सर। ऐसे जयपुर भी सर 97% पहुंच गया सर, हनुमानगढ़, सीकर में सर आज भी एक विशेष अभियान चल रहा है सर, उनका लगभग 20,000 डोज अभी तक हो गई है और वो आज लगभग 75,000 डोज लगाने का लक्ष्य कर रहे हैं सर। तो हर जगह पर सर जिलेवार कलेक्टर अपने लेवल पर एक दिन तय करके और सारी प्रशासनिक मशीन को लगा करके और विशेष अभियान चला रहे हैं और उसके अच्छे परिणाम आए हैं सर, तो अन्य सभी जिले भी यही
अभियान करें तो अच्छे रिजल्ट आने की संभावना पूरी बनती है सर। नेक्स्ट सर, ये हमने एक रैंकिंग करने का प्रयास किया सर कि जो 1 दिसंबर को जितने ड्यू डोजेस थी उसके मुकाबले जिलों ने कितनी अचीव करी, तो उसके आधार पे हम देखें सर, तो जो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज जो ड्यू थी और उसके मुकाबले कितनी वैक्सीनेट किया, तो उसमें सर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस प्रतापगढ़ ने दिया है सर। ये ज्यादा प्रतिशत इसलिए सर कि हमने 1 दिसंबर को जो ड्यू थी उसके आधार पर डेटा लिया, बट 1 से 23 दिसंबर के बीच में और भी लोगों की सेकेंड डोज ड्यू होती गई और प्रतापगढ़ ने उनको वैक्सीनेट कराया, तो उनका परिणाम काफी अच्छा रहा है सर। लगातार बूंदी का भी परिणाम अच्छा रहा है सर, चित्तौड़गढ़ 76%, हनुमानगढ़ 76%, कोटा 68%, झुंझुनू 66%, नागौर 64%, सिरोही 62%, चुरू 60, भीलवाड़ा ने 60% अचीव किया सर अगेंस्ट एलिजिबल जो उनके व्यक्ति थे जिनको डोज लगनी थी। जो कम रहे हैं सर, नेक्स्ट जो कम रहे हैं सर उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा सर। भरतपुर में लगभग 30% हुए सर, जैसलमेर में भी 30%, बाड़मेर 33%, बांसवाड़ा 36%, पाली 36%, दौसा 36%, सीकर 38% एंड जोधपुर 39%, करौली 39%। इन सभी जिलों ने सर, जैसे जोधपुर ने भी एक दिन अभी अभियान चलाया था, सीकर में आज चल रहा है, पाली ने भी अभियान चलाया था सर, तो जिस दिन अभियान चलता है सर उस दिन के अच्छे रिजल्ट निश्चित रूप से आते हैं, बट उसको सस्टेन करने की जरूरत है, तो उसके एक कार्य योजना हम श्रीमान के समक्ष जैसा आपने निर्देशित किया है, चर्चा के उपरांत सीएस महोदय से निर्देश प्राप्त करके हम प्रस्तुत करेंगे सर। नेक्स्ट सर, ये एक एनालिसिस और करने का प्रयास किया सर कि जो 18+ जो वोटर लिस्ट है सर उसके आधार पर यदि हम देखते हैं तो जिलों की ये पोजिशन आती है, उसमें प्रतापगढ़ निश्चित रूप से अच्छा किया हुआ है सर, उनके इससे भी ज्यादा है सर, तो कई सारे उनकी जो उन्होंने अभियान चलाया है सर, तो ऐसी लेबर जो प्रतापगढ़ की रहने वाली है बट वोटर लिस्ट में अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड है, तो उनको भी उन्होंने प्रतापगढ़ में वैक्सीनेट किया है, तो उसके कारण से उनका और भी अच्छा रिजल्ट आया है। बट उसके अलावा सर सभी जिलों ने ये किया है और 90% से अधिक हमारे 17 जिले आ गए हैं। नेक्स्ट, और ओवरऑल जो हमारा प्रतिशत है सर ये 92% हो जाता है सर वोटर लिस्ट के आधार पे, और जो सेकेंड डोज है सर वो 71% हो जाती है सर। नेक्स्ट सर, ये एक एनालिसिस हमने पुनः करने का प्रयास किया कि आपके निर्देशों के उपरांत जो अभियान चला है उसके आधार पे जो जिले 75% से कम थे सर 1 दिसंबर को, आज एक भी जिला 75% से कम पे नहीं है, बल्कि इसमें से यदि आप देखें सर तो धौलपुर जिला और डूंगरपुर जिला तो सर सीधा 75% को क्रॉस करके 80% से अभाव में आ गया है, तो अधिकांश जगह पे अच्छी प्रगति हुई है सर, और जो लोअर लिमिट थी सर हमारी वो काफी जिले जो है वो अपने हायर प्रतिशत जो कैटेगरीज है उसमें मूव कर गए हैं सर, और 90% से अधिक में 7 जिले थे सर, वो अब 11 जिले हैं जो 90% से अधिक की रेंज में चले गए हैं सर। नेक्स्ट, सिमिलरली सर जो सेकेंड डोज है उसमें भी 55% से कम में 13 जिले थे सर 1 दिसंबर को, आज एक भी जिला ऐसा नहीं है जिसका 55% से कम हो, बल्कि 60% से कम में भी सिर्फ एक जिला है भरतपुर जो 60% से इसका कम है, अदरवाइज सभी जिलों का सेकेंड डोज जो प्रतिशत है वो 60% से अभाव हो गया है। सिमिलरली सर 60 से 65 के बीच में ये नागौर, झालावाड़, सवाईमाधोपुर थे तो वो आगे मूव कर गए हैं, तो सभी जिलों ने सर प्रयास किया है और इसको और अधिक आगे बढ़ाने के लिए हम सतत प्रयास करेंगे सर। सर एक आपने निर्देश दिए थे 181 पे वैक्सीनेशन के लिए कोई भी कॉल करके और सहायता ले सकता है, तो उसका भी रेगुलर एनालिसिस हम कर रहे हैं सर, तो सर यदि देखें सर तो 357 कॉल 181 पर वैक्सीन लगाने के लिए अभी तक प्राप्त हुई है सर, उसमें से 200 कॉल डिस्पोजल हुई है सर सेटिस्फैक्ट्रीली, 92% सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजल है सर ये जो, और यस सर तो ये सर जैसे भीलवाड़ा में सर एक जगह पे ऐसे कॉल आया, टीम गई सर तो 170 लोगों को वैक्सीनेट किया सर, माइनॉरिटी का मोहल्ला था सर। जयपुर में काफी कॉल्स आ रही है सर, जयपुर का टर्न अराउंड काफी
ज्यादा है और लगातार हम इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सर। तो 200 जगह पे इस प्रकार का एक्टिविटी करके और लोगों को वैक्सीनेट किया है और इसका सर एक न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हम लोगों को सूचित कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट देखिए कि यदि आप 181 पे कॉल करें हम आपको आपके मोहल्ले में आकर के वैक्सीनेट कर देंगे सर। नेक्स्ट, तो ये सर हमारी जो कार्य योजना है उसमें पहला तो जैसा श्रीमान फरमाया सर कि 10 से अधिक यदि हैं तो हमें कॉल करें, हम आपको आपकी जगह पे आके वैक्सीनेट करेंगे। और उसके अलावा लगातार टीकाकरण पे फोकस और COVID-19 में कलेक्टर का लीडिंग रोल, साथ ही सर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना और वैक्सीनेशन एंड सैंपलिंग दोनों में ही हम लगातार प्रयास करना चाहेंगे सर। थैंक यू, थैंक यू सर। डॉक्टर, मैं डॉक्टर भंडारी को रिक्वेस्ट करूंगा, वो ओमिक्रॉन के बारे में अपना प्रेजेंटेशन दे। डॉक्टर सुधीर भंडारी, प्रिंसिपल SMS मेडिकल कॉलेज। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, सभी अधिकारी गण और मेरे कलीग्स, आपने ओमिक्रॉन और प्रेजेंट कोविड और वैक्सीनेशन स्टेटस के बारे में एक परिदृश्य दिया। मैं ओमिक्रॉन के बारे में कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहूँगा और ये फैक्ट्स मैं आम जन से भी शेयर करना चाहूँगा कि हमारा अब कॉन्सेप्ट ये रह गया है, अति आवश्यक है वैक्सीनेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। ये प्रेजेंटेशन मैंने टीम SMS के माध्यम से प्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारी एक बहुत बड़ी रिसर्च टीम है जो ये सभी डेटा को कलेक्ट करती है। थैंक यू। नेक्स्ट, जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने बताया कि ये अब एक वर्ल्ड वाइड ग्लोबल पैंडेमिक हो गया है जो कि 110 कंट्रीज में हो गया है। अगर हम कुछ भी इसके बारे में बात करें तो हमारे अभी मैंडेटरी जो अति आवश्यक रिक्वायरमेंट है वो हर लेवल पे वैक्सीनेशन, मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग की है। नेक्स्ट, यूरोप में ओमाइक्रिन इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा है, यही हमारा मैटर ऑफ कंसर्न है। इसी वजह से यूरोप के लगभग सभी देशों ने फिर रिस्ट्रिक्शन, पार्शियल और फुल लॉकडाउन और अदर सोशल डिस्टेंसिंग मेजर लगाने शुरू कर दिए हैं। ये सभी इसका परिणाम है कि हमने थोड़ा सा वैक्सीनेशन उन देशों में और मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया गया। अगर हम नीदरलैंड में देखें तो चौथा लॉकडाउन शुरू कर दिया गया है, जहां पे जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जिम है और पब्लिक प्लेसेस 14 जनवरी तक के लिए बंद कर दी गई है। तो हमें इससे ये सीखना है कि ये तीनों जो इम्पॉर्टेंट है, सबसे अधिक जो वैक्सीनेशन है वो अगर पूर्ण रूप से हम अचीव कर लें तो शायद यूरोप में इन जैसी स्थिति से हम बच सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट, जर्मनी का अगर मैं उदाहरण दूं तो 28 दिसंबर से जर्मनी ने प्राइवेट गैदरिंग को सिर्फ 10 लोगों तक सीमित कर रखा है और वैक्सीनेटेड होंगे तभी वो लोग 10 के समूह में भी जा सकते हैं, अनवैक्सीनेटेड को उन्होंने पूरा तरह से मूवमेंट को ब्लॉक कर दिया है। अगर हम फ्रांस की सरकार का ऑर्डर देखें तो 22 दिसंबर से 5 से 11 साल के बच्चों के लिए भी उन्होंने वैक्सीनेशन की मंजूरी दे दी है, ये सोचते हुए कि हमें इसके स्प्रेड को बचाना है। नेक्स्ट, ये एक मैं छोटा सा कर्व इसलिए बताऊंगा कि हमारे ये तीनों जो प्रोटोकॉल्स हैं, वैक्सीनेशन, मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग, इसलिए आवश्यक है कि अगर हम पुरानी सेकेंड वेव से सीखें तो आप देखें कि किस तरह डेल्टा और डेल्टा प्लस जल्दी फैल गई थी और ओमिक्रॉन अभी जो सबसे लेफ्ट साइड में जो एरो बताया गया है वो अभी शुरू की स्टेज में है। और अगर हम शुरू की स्टेज में ही आमजन कंप्लीट वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लें शायद इस कर्व को हम यहीं रोक पाएंगे। नेक्स्ट, आप ये देखें कि इसका एक अच्छा सिल्वर लाइनिंग ऑफ क्लाउड भी है कि ये ओमिक्रॉन जो कि बहुत ही हाई ट्रांसमिसिबिलिटी और हाई इन्फेक्टिविटी के लिए जाना जाता है, अब जिन देशों में ये प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं, कंप्लीट वैक्सीनेशन किया जा रहा है, वहां पे कुछ दिनों से केसेस कम होना भी शुरू हो गए हैं। जैसा कि प्लेस ऑफ ओरिजिन साउथ अफ्रीका था, वहां पे अब थोड़ा सा बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स कुछ केसेस कम होना शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट, ये जैसा कि आपको अर्लियर प्रेजेंटेशन में सेक्रेटरी साहब ने बताया कि अमेरिका के अंदर लाखों की नंबर में जो केसेस आ रहे हैं, ये जो वॉयलेट कलर है
ये ओमिक्रॉन का इंसिडेंस बताता है और येलो कलर डेल्टा वायरस का इंसिडेंस बताता है। आप देखें कि जो ओमिक्रॉन है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन्फेक्टिविटी, बिकॉज ऑफ इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी, 73% अमेरिकन्स वहां पे थोड़ा सा वैक्सीनेशन और मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग की स्लैकनेस है। उस मास्किंग और वैक्सीनेशन की स्लैकनेस के कारण जो 4 या 5 अमेरिका के स्टेट्स हैं जैसे टेक्सास, फिलाडेल्फिया, फ्लोरिडा, जहां पे वैक्सीनेशन का प्रतिशत बहुत कम है, वहां पे ये केसेस बहुत अधिक हो रहे हैं। तो हमें इससे काफी कुछ सीखना है। नेक्स्ट, मैं आमजनों को ये बताना चाहूंगा कि लोग थोड़ा सा हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को हल्कापन से ले रहे हैं। उनमें एक भ्रांति है कि क्या ओमिक्रॉन कम गंभीर है। ये वास्तव में सही है, लेकिन WHO ने भी ये बताया है कि अभी 4 हफ्ते लगेंगे इसके कहर को परखने में। अतः हमें हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं इसको हमें वैक्सीनेशन प्लस की दृष्टिकोण से देखना है। टीकाकरण को हमें 100% अचीव करना है। अगर हम दूसरी डोज को 100% अचीव कर पाएंगे तभी हम जो साइंटिफिक एडवाइस है बूस्टर डोज के बारे में सोच पाएंगे। मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और रिस्ट्रिक्शन ऑफ पब्लिक प्लेसेस को हमें इसको प्रिवेंट करना है क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है। नेक्स्ट, एक लोगों में भ्रांतियां ये भी है कि 80% इससे हॉस्पिटलाइजेशन कम होता है। इन सब न्यूज से हमें डेफिनेटली कॉन्फिडेंस मिलता है, बट मैं आम जन से निवेदन करना चाहूंगा कि ये सब न्यूज हमारे लिए अच्छी है, बट हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम अभी भी सुदृढ़ होना चाहिए क्योंकि ओमिक्रॉन के द्वारा संक्रमण फैलने की क्षमता अधिक है, लेकिन इसके द्वारा होने वाली बीमारी अभी तक कम गंभीर हुई है। इससे अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से हमें बचना पड़ेगा। मैं यह आपको बताना चाहूंगा, जयपुर का जो फ्लैगशिप हॉस्पिटल है REOHS में, हमारे वहां पे 22 ओमिक्रॉन के पेशेंट एडमिट हुए थे। वो सारे पेशेंट वैक्सीनेटेड थे। चूंकि वो वैक्सीनेटेड थे उनके अंदर एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड डिजीज थी और सारे ठीक होके प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट लेके डिस्चार्ज हो गए। आज की तारीख में हमारे 3 गंभीर पेशेंट जिनके 80-90% कोविड निमोनिया से लंग डैमेज हैं और वो तीनों पेशेंट अनवैक्सीनेटेड है। अतः अभी ये कंफर्म हो गया है कि अनवैक्सीनेटेड पेशेंट ही क्रिटिकल होंगे। कौन पेशेंट कब क्रिटिकल हो जाए इसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल होगा, बट डेफिनेटली हमें 100% सेकेंड डोज को लगवाना है। स्पेशली जो पेशेंट्स जो क्रॉनिक डिजीजेस के मरीज हैं, खासकर जो सीनियर सिटीजन है 60 साल के बाद, जिनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम है, उनको तो अति आवश्यक है कि सेकेंड डोज जरूरी लग जाना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप ये देखें कि जिन लोगों में वैक्सीनेशन, जिस देशों में वैक्सीनेशन कम हुआ है, जिन्होंने सोशल प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया है, उनमें आप देखें, मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा कि इनकम्प्लीट प्रोटोकॉल फॉलो करने से वहां की पॉपुलेशन को क्या क्या सहन करना पड़ रहा है। बेल्जियम में सिनेमा, थिएटर और इंडोर एक्टिविटीज बंद कर दी गई है। स्पेन के अंदर आउटडोर एक्टिविटीज में मास्क कंपलसरी कर दिया है। जर्मनी में 10 से अधिक लोगों को एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, नाइट क्लब बंद कर दिए गए हैं। और 5वीं लहर की संभावना को देखते हुए नव वर्ष का उत्सव भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये सभी क्यों हुआ? क्योंकि पूरी पॉपुलेशन ने वैक्सीनेट नहीं करवाया और उन्होंने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ये सोचते हुए कि ओमिक्रॉन इतना खतरनाक नहीं है, इसको फॉलो नहीं किया, जिसके कारण यहां पे ये रिस्ट्रिक्शंस अनिवार्य हो गए। नेक्स्ट, अगर आप, मैं कुछ उदाहरण इसलिए देना चाहूंगा ताकि आमजन ये देखें कि हमें कितना जरूरी है वैक्सीनेशन करवाना। पोर्चुगल में वहां पे वापस वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया गया है। सभी भीड़ भाड़ वाली जगहों में कोविड नेगेटिव पेशेंट व्यक्ति ही जा सकता है, उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी। यूके के अंदर जहां लाखों केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं, सारे कोविड और नए साल, क्रिसमस और नए साल के उत्सव सस्पेंड कर दिए गए। नाइट क्लब्स में डबल सर्टिफिकेट, डबल वैक्सीनेशन का आवश्यक कर दिया गया है। न्यूयॉर्क, नीदरलैंड में 19 दिसंबर से पूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया और सभी पब्लिक प्लेसेस बंद कर दी गई है। शायद पूर्ण वैक्सीनेशन और एप्रोप्रिएट बिहेवियर होता तो इनमें कुछ शिथिलता बरती की जा सकती थी। नेक्स्ट, आप देखें कुछ देश कितने एक्टिव हैं। इसराइल के अंदर 100% वैक्सीनेशन हो गया है। अतः वो देश ऐसा देश है कि अब वो सेकेंड डोज के आगे भी सोच रहा है और वहां पे
फर्स्ट बूस्टर डोज लग चुकी है और वो सेकेंड बूस्टर डोज के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना गया है यदि सभी लोगों को सेकेंड डोज लग जाती है तो भारत में भी बूस्टर डोज जल्दी ही शुरू हो पाएगी। इसमें आप सब आमजन की भागीदारी है कि हम सेकेंड डोज को 100% का टारगेट अचीव करें। नेक्स्ट, ओमिक्रॉन फैलने की क्षमता अधिक होने के कारण कोविड पूरी दुनिया में संक्रमण फैल रहा है और जिससे बहुत ज्यादा इन्फेक्टिविटी हो गई है, अतः हमें इसकी स्प्रेड को बचाना है। जितना अधिक ये वायरस फैलेगा उतना अधिक म्यूटेशन और वेरिएंट बनने का रिस्क रहता है, अतः इसलिए भी आवश्यक है कि हम इसके फैलाव को रोकें। नेक्स्ट, अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट की गंभीरता अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी यदि एक साथ लोगों में संक्रमण होता है तो चिकित्सा क्षेत्र में समुचित व्यवस्था करना आवश्यक है और हेल्थ सिस्टम स्प्रेड हो जाएगा और हमारी जो दूसरी प्रायोरिटीज है वो डाइल्यूट हो जाएगी। अतः हमें इवन एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड केसेस के स्प्रेड को और उनको होने से बचाना है। नेक्स्ट, नव वर्ष होने वाले उत्सव भी नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को अधिक सुगमता से फैलाने में मददगार साबित हो सकते हैं, इसीलिए हमें वैक्सीनेशन और एप्रोप्रिएट बिहेवियर को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। नेक्स्ट, आप देखें कि WHO ने बहुत ही मंथन साइंटिफिक रिसर्च के बाद एक थीम बनाया है, बूस्ट बूस्ट बूस्ट। WHO एडवाइस टू यूरोप एंड ए वार्निंग ऑन ओमिक्रॉन, सेकेंड डोज लगने के बाद बूस्टर डोज लगाकर हाई रिस्क ग्रुप जैसे वरिष्ठ नागरिक, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक पेशेंट आदि को सुरक्षित रख सकते हैं। अतः बूस्टिंग के लिए प्रीरिक्विजिट यह है कि ईच एंड एवरी वन ऑफ अस आर डेडिकेटेड कि हम सेकेंड डोज को एंश्योर करें। वयस्कों को वैक्सीनेशन करके हम बच्चों को भी सुरक्षित कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल कुछ बच्चे भी कोविड के साथ हमारे पास आ रहे हैं, उन बच्चों में कोविड के बाद एक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम भी हो रहा है, लेकिन बच्चों का सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज एडल्ट। अतः हर व्यक्ति को अपने आप को वैक्सीनेट करवाना है और उसके बाद आप देखिए कि कितना थीम है WHO का, बूस्ट बूस्ट बूस्ट। इसका मतलब सेकेंड डोज को यूज करें, जिनको कोविड हो चुका है, फर्स्ट डोज लग चुका है, उनमें सेकेंड डोज भी बूस्टर का काम करेगी और उसके बाद भी हमें अगली डोज के लिए एलिजिबिलिटी का पता लग पाएगा। नेक्स्ट, ये एक बहुत अच्छा चित्र आप देखिए कि वैक्सीनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को दो शॉट लग गए हैं आप देखिए उनको बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, जिसमें एक पुलिस वाला बताया गया है जो कोविड को किल करने के लिए तैयार है, और जिनमें सेकेंड डोज बूस्टर डोज लग गई और उसके बाद थर्ड डोज लग गई, आप देखिए उनमें सेकेंड डोज और बूस्टर डोज लगने के बाद उनमें बॉडी का डिफेंस सिस्टम ऑलमोस्ट 3 गुना से 4 गुना हो जाता है, जिसमें कि आप देखिए 3 पुलिस वालों को बताया गया है, और 25 टाइम्स सेकेंड डोज और बूस्टर डोज के बाद इवन ओमिक्रॉन के प्रति प्रोटेक्शन मिल जाता है। आप देखिए जिन लोगों को सिर्फ एक डोज लगा है या नहीं लगा है उनको ओमिक्रॉन में प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, बट जिनको सेकेंड और थर्ड डोज लगा है वो भी 25 टाइम्स ओमिक्रॉन से उनको क्रिटिकल और वेंटिलेटर वाली डिजीज से प्रोटेक्शन मिल जाता है। नेक्स्ट, हमारा जो मेडिकल साइंस में बाइबल मानी जाती है वो है न्यू इंग्लैंड जर्नल और लैंसेट। अगर मैं उसके कुछ कोट्स आपसे शेयर करूं, न्यू इंग्लैंड जर्नल के अनुसार सभी लोगों में सार्वजनिक वैक्सीनेशन कवरेज बहुत आवश्यक है। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के अनुसार वेंडी बार्कले, सभी लोगों के वैक्सीन देना अनिवार्य भी है, आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है, क्योंकि उनकी मॉरल ड्यूटी है वो बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि यदि किसी एक नए वेरिएंट से संक्रमण होता है तो शरीर में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी उपलब्ध रहेगी, इसलिए सभी लोगों को पूर्ण वैक्सीनेशन का कोर्स लेना होगा ताकि शरीर में पर्याप्त मात्रा में इम्यूनिटी मजबूत हो। अतः इसके जर्नल के द्वारा ये मैसेज दिया गया है, ये आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, दूसरा जो इंपॉर्टेंट मेडिकल जर्नल है लैंसेट, उसके अनुसार बूस्टर डोज से कोविड के विरुद्ध इम्यूनिटी अधिक तीव्रता से बढ़ती है, अतः हमें 100% डबल वैक्सीनेशन के लक्ष्य को तुरंत अर्जित करना है ताकि हम बूस्टर डोज के लिए क्वालिफाई कर पाएं। अगर हम सभी साइंटिफिक जर्नल्स का मंथन करें तो कंक्लूजन यही है कि हमें 100% सेकेंड डोज का लेना है और हमें अपने आप को बूस्टर डोज जो कि एलिजिबल लोग हैं उनके लिए अपने आप को एलिजिबल करना है। नेक्स्ट,
और भी काफी साइंटिफिक रिसर्च से पता लगा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में डेल्टा की तुलना में अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम 50 से 50% कम है। ये सही है, लेकिन ये हमारी अप्रोच ऑफ वैक्सीनेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। बड़ी संख्या में हल्के संक्रमण भी अस्पतालों पर भारी और हेल्थ सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं। नॉन वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में इस जोखिम की संभावना बहुत अधिक रहती है। जैसा कि मैं आपको हमारा एक्सपीरियंस बता चुका हूं, सारे आईसीयू के पेशेंट आज की तारीख में अनवैक्सीनेटेड पेशेंट हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं। नेक्स्ट, ये इसके बारे में ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल में बता दिया गया है। हमारे को सेकेंड डोज वैक्सीनेशन को, जो हमारी पोजीशन है, उससे बहुत ऊपर आना है, जिससे हम इसके स्प्रेड को बच सकते हैं। नेक्स्ट, ओमिक्रॉन डेल्टा संक्रमण की तुलना में काफी तेजी से फैल रहा है और 2022 की शुरुआत तक वर्ल्ड वाइड वेरिएंट बन सकता है। ओमिक्रॉन इन्फेक्शन की सीवियरिटी को निर्धारित करने के लिए 3 से 4 हफ्ता की स्टडी की अभी और आवश्यकता है, अतः आप इसको इतना लाइट नहीं ले लें जैसा कि पेपर्स और मीडिया में आ रहा है कि ये अधिक क्रिटिकल नहीं है। अभी हमें 3 से 4 हफ्ते इसके बारे में और स्टडी करनी है कि ये कितना क्रिटिकल हो सकता है। ये एक बहुत आवश्यक फैक्ट है। नेक्स्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें, ये जो दो कर्व बने हुए हैं, टीके गंभीर बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु को रोकने में अत्यधिक प्रभावी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। टीके गंभीर बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु को रोकने में बहुत अत्यधिक प्रभावी है। सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लेना बहुत आवश्यक है। आप अब नीचे के चित्र में देखें कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनमें ब्लू कलर बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक, अगर कोविड हुआ भी है तो ये वैक्सीनेटेड पेशेंट जो राइट साइड में चित्र है, ये ब्लू कलर टोटली एसिम्प्टोमेटिक है। और जिन लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनमें आप देखिए सिर्फ 25% एसिम्प्टोमेटिक है, 75% में ग्रीन, येलो, रेड क्रिटिकल डिजीज हो गई है। तो राइट साइड वाला चित्र आपको वैक्सीनेशन के एडवांटेज को बताता है। नेक्स्ट, ये एक मैं छोटा सा चित्र आपने फर्स्ट वेव में भी देखा होगा हमारी वीसी के अंदर, कि चूंकि इस चित्र की अब महत्व और बढ़ जाता है बिकॉज ओमिक्रॉन डेल्टा वेव से बहुत अधिक स्पीड से उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी और इन्फेक्टिविटी अधिक है। तो अगर आप देखें मास्क पहनने ताकि आपका परिवार ओमिक्रॉन से सुरक्षित रहे, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से देखें, अगर आप इसमें देखें कि जिन लोगों ने मास्क पहन रखा है उनमें रिस्क कितनी कम हो जाती है, अगर मास्क नहीं पहन रखा है तो 90% स्प्रेड होने का रिस्क रहता है। आप पीला चित्र देखें, अगर दोनों लोगों ने मास्क पहन रखा है और अगर इसमें से एक पेशेंट ओमिक्रॉन का पेशेंट भी है तो रिस्क सिर्फ 1.5% रह जाती है, और अगर दोनों में से एक ओमिक्रॉन का पेशेंट भी है और अगर मास्क पहन रखा है और 6 फीट से ज्यादा डिस्टेंस है तो ये रिस्क और भी कम हो जाती है। पहली वेव के बाद अब एक बार स्थिति वापस ऐसी आ गई है कि हम इस प्रोटोकॉल को भी वैक्सीनेशन के साथ फॉलो करें। नेक्स्ट, एक ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, भीड़ भाड़ से बचें, बिना किसी जरूरी वजह के यात्रा करने से बचें, बिकॉज ट्रेवलर्स के कारण ये काफी वायरस स्प्रेड कर सकता है। एक रद्द किया गया कार्यक्रम रद्द किए गए जीवन से बेहतर है, अतः बहुत आवश्यक नहीं हो जब तक आप अपने आप का ट्रेवल को अवॉइड करें। नेक्स्ट, ये आप देखिए आज की स्थिति हमारी है, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम और डेनमार्क ये काफी गंभीर स्थिति में है। उसको देखते हुए आज भारत रीजनेबली बेटर स्थिति में है, लेकिन ये खुशी का कारण नहीं है बिकॉज हम ऊपर वाली स्टेज में कभी भी आ सकते हैं। अतः हमारा टोटल डेडिकेशन होना चाहिए पूर्ण वैक्सीनेशन के लिए, मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, अधिक कोविड टेस्टिंग, जल्दी उपचार से हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इतना पैनिक क्यों कर गए। एक आर वैल्यू एक ऐसा फिगर है, ये इंडिकेट करता है कि एक संक्रमित व्यक्ति द्वारा दूसरे को वायरस फैलाने की क्षमता को हम आर वैल्यू से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के तौर पे मीजल्स एक बच्चों में बीमारी होती है, उसकी आर वैल्यू 20 होती है, इसका 15 से 20 होती है। इसका तात्पर्य है कि अगर एक मीजल्स के बच्चे को अलग नहीं रखा जाए तो वो 15 दूसरे बच्चों में इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। तो ये जो आर वैल्यू थी, ये ओमिक्रॉन का जो वुहान से मार्च 2020 में जो
पहला वायरस आया था, वुहान वायरस आया था, उसमें 2.5 थी। इसका तात्पर्य था एक जो कोविड का वायरस था जो वुहान से आया था वो 2.5 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता था। डेल्टा वायरस जब अप्रैल में 2021 में आया, इसकी आर वैल्यू 7.5 थी। इसका तात्पर्य था कि एक डेल्टा पेशेंट 7.5 एडल्ट लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, और ओमिक्रॉन ये इन्फेक्टिविटी 20-25 आर वैल्यू है। इसका तात्पर्य है कि अगर एक ओमिक्रॉन पेशेंट ओपन अनमास्क ओपन स्पेस कंजेस्टेड में चला जाए तो उसको 20-25 लोगों को इन्फेक्ट करने की क्षमता है। भले ही डेल्टा वायरस 7.5 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता था, उसके लक्षण बहुत अधिक थे, भले ही ओमिक्रॉन के लक्षण बहुत कम है, बट ओमिक्रॉन डेल्टा से 4 गुना इन्फेक्टिव है क्योंकि इसकी आर वैल्यू डेल्टा से 4 गुना है। अतः वैक्सीनेशन, मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व बहुत बढ़ जाता है। नेक्स्ट, एक आप लोगों ने आजकल सुना होगा एक नया टर्म आने लग गया है, डेल्मिक्रॉन। अभी तक ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, बट डेल्मिक्रॉन क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। डेल्टा वायरस जो कि अप्रैल मई में 2021 में था और अभी ओमिक्रॉन आ रहा है, यदि समुदाय में डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट मौजूद रहते हैं तो वायरस अधिक तीव्र गति से और गंभीरता से फैल सकता है तथा तीसरी लहर उपलब्ध हो सकती है, बिकॉज ये वायरस आपस में जीन मटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, एक ब्रिटिश एक्सपर्ट के अनुसार ओमिक्रॉन और डेल्टा मिलकर एक कभी कभी बेहद खतरनाक स्ट्रेन बना सकते हैं, क्योंकि अभी तक डेल्टा वायरस भी हमारे पॉपुलेशन में है। अगर डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों एक साथ किसी को इन्फेक्ट कर देते हैं तो ये आपस में डीएनए की अदला बदली कर सकते हैं। ये प्रिजम्पशन है, साइंटिफिक प्रिजम्पशन है। दो वायरस आपस में मिलकर जीन शेयर और स्वैप कर सकते हैं। पहले तो स्ट्रेन जोड़ने के मामले सामने, अच्छा इस तरह की जीन शेयरिंग और स्वैपिंग के मामले पहले भी आ चुके हैं, जैसे कि अल्फा स्ट्रेन और B.1.1.7 स्ट्रेन तथा कैंट स्ट्रेन B.1.4.7 आपस में अमेरिका में और कैलिफोर्निया में पाए गए थे। तो अभी हमें और भी केयरफुल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जब डेल्टा वायरस आया था तो उस समय सिर्फ डेल्टा ही एटमोसफियर में था, आज डेल्टा भी है और ओमिक्रॉन भी है। तो अगर डेल्टा और ओमिक्रॉन एक ही व्यक्ति को इन्फेक्ट कर देते हैं तो जीन शेयरिंग और स्वैपिंग से ये थोड़ा क्रिटिकल नया वेरिएंट डेवलप हो सकता है। तो इस साइंटिफिक प्रिजम्पशन और रिसर्च को देखते हुए भी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वैक्सीनेट करवाएं और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को और स्ट्रॉन्गली फॉलो करें। नेक्स्ट, ये प्रोटोकॉल है। मैं इतना एश्योर करना चाहता हूं कि ओमिक्रॉन अगर हो भी जाता है तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट और सारी फैसिलिटीज, हमारी प्रिपेयर्डनेस इतनी सुचारू है कि हमें किसी तरह की भय और चिंता की बात नहीं है, बट हमें इसको होने से बचाना है। नेक्स्ट, एक और सिल्वर लाइनिंग ऑफ द क्लाउड यह है, आपको किसी तरह की घबराने की बात नहीं है। हमारे पास सारे मॉडलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जो पुराने मॉडलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट है, रेमडेसिविर, एंटीकॉगुलेंस, ग्लूकोकॉर्टिकोइड, टॉसिलुजुमैब, प्लाज्मा थेरेपी, सभी लोग हमारे लिए हमारे पास उपलब्ध है, जो कि ओमिक्रॉन को भी हेल्प करती है। एंटीबॉडी कॉकटेल की यूजफुलनेस ओमिक्रॉन में कंट्रोवर्शियल है, बट डेल्टा में बहुत इफेक्टिव है, और हाईली इफेक्टिव कोविड अप्रोप्रिएट टारगेट ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स हमारे यहाँ उपलब्ध है। अभी दो नई एंटीवायरल्स ड्रग आई है, मोलनोविरापिर एंड पैक्सलोविड, जो भी आने वाले दिनों के अंदर हमें प्रोटेक्ट करेगी। यहां मुझे कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि पैक्सलोविड एक दो एंटीवायरल ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है जो फाइजर ने अप्रूव किया है। इसमें से एक ड्रग है रिटोनोविर, जो कि एसएमएस में हमने मार्च 2020 में भी यूज की थी। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है, वायरस इन्फेक्शन अगर आगे बढ़ता है तो हमारे लिए उपलब्ध ड्रग्स है। नेक्स्ट, मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि जहां तक ट्रीटमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, हम तैयार हैं और हमारे पास अनलिमिटेड सपोर्ट आप सब लोगों का है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑक्सीजन प्लांट से, कि आपकी आकांक्षाएं और आपके प्रोटोकॉल्स को हम हमेशा पूरा करेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद डॉक्टर भंडारी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, हमारे एक्सपर्ट कोविड ग्रुप के मेंबर, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह अपनी बात कहें। नमस्कार सर। आज सबके मन में एक ही बात आ रही है कि ये जो थर्ड वेव है ये आ रही है क्या। जब वैभव जी बता रहे थे
तो अपन देखें तो एक तरह से जो इंडिया का डेटा था वो इंक्रीज नहीं हो रहा था, लेकिन एक बहुत इंटरनल चीज ये है कि जो साउदर्न स्टेट्स हैं जो कि सी के आसपास हैं उनके अंदर वो कम हो रहा था, लेकिन नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर उसकी शुरुआत हो चुकी है, कुछ कुछ केसेज आने लग गए हैं। और इसके साथ ही जो ओमिक्रॉन आया है इसके साथ हर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि क्या होगा। अब सवाल उठता है, प्रश्न ये कि आता है कि क्या मुझे ये बीमारी होगी। इसके जवाब में एक बात है, यदि आपने कोई भी वैक्सीन नहीं लगाई तो आप बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे हैं कि हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े और सीरियस कॉम्प्लिकेशन आ जाए। यदि एक डोज लगाई है वैक्सीन की तो थोड़ा बचाव है, यदि दो डोज लगाई है तो ज्यादा बचाव है, और यदि आपके कोविड का इन्फेक्शन भी हो चुका है तो और साथ में दो डोज भी ले ली हैं तो काफी अच्छा बचाव है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात इसके साथ है वह ये कि ये वैक्सीन का इफेक्ट अनलिमिटेड नहीं है। एक जो लेटेस्ट रिसर्च आई है उसके अंदर ये पाया गया कि जहां तक एक महीने बाद 85% प्रोटेक्शन है, वही 5-6 महीने के बाद प्रोटेक्शन का लेवल जाके 42-44% आ जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगा के 100% कर लें, जिससे कि बूस्टर डोज जो कि आज समय का तकाजा है वो मिल सके। विशेष तौर से जो हेल्थ केयर पर्सनल जिन लोगों को सबसे पहले वैक्सीन लगी थी उन लोगों के लिए इसकी आवश्यकता सबसे जरूरी है। अब एक प्रश्न ये आता है कि मुझे तो पहले कोविड हो चुका, क्या मुझे रीइन्फेक्शन होगा? पहले जो डेल्टा के अंदर था करीब 85% प्रोटेक्शन व्यक्ति को मिलता था दोबारा रीइन्फेक्शन से, लेकिन ओमिक्रॉन का जो इंग्लैंड के अंदर अभी स्टडीज हैं उसके अंदर इस प्रोटेक्शन की वैल्यू घटकर करीब 20% ही रह जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण है। हालांकि यहाँ पर मेरा मानना ये है कि इंग्लैंड के अंदर अल्फा वेव आई थी पहले, तो ज्यादातर जो इन्फेक्टेड लोग थे वो अल्फा से ग्रसित थे। हमारे यहाँ डेल्टा वेव आई थी जो कि लास्ट बड़ी भयानक थी, तो ये जो डेल्टा वेव है इससे प्रोटेक्शन थोड़ा भिन्न और ज्यादा शायद संभवतः हो, क्योंकि यूरोप एंड अमेरिका के अंदर इस समय हम देखें तो उनका एवर हाईएस्ट नंबर पर डे का वो आ रहा है। इंग्लैंड में पहले 60,000 था जो कि आज 1,10,000, इसी तरह अमेरिका के अंदर भी वो 4 लाख के आसपास पहुंचने की उसकी स्थिति आ रही है। तो इसलिए आवश्यक ये है कि यदि आपकी वैक्सीन की सेकेंड डोज नहीं लगी है तो वो आप तुरंत लगवाएं। एक एंटीबॉडी का जो इसमें एक जो बात आ रही है कि ओमिक्रॉन बहुत ही हल्का है, ये बहुत सीवियर सिम्टम नहीं देता, लेकिन जो लेटेस्ट डेटा आए हैं उससे ये पता लगता है कि करीब डेल्टा के कंपैरिजन में 50%, यानी यदि डेल्टा के 100 पेशेंट हुए तो उसके अंदर 2% लोगों को भर्ती होना पड़ता है, लेकिन ओमिक्रॉन के अंदर उसे 50%, यानी एक व्यक्ति को, यानी 1,000 के अंदर अपन देखें तो करीब 20 लोग यदि डेल्टा की भर्ती होंगे तो 10 लोग ओमिक्रॉन के होंगे। अब जैसे अपन इंग्लैंड का देखते हैं तो वहां डबल नंबर हो गया, अमेरिका में भी डबल नंबर हुआ, तो इवन हाफ भी यदि एडमिशन होता है तो वो हमारे सिस्टम के ऊपर प्रभाव डाल सकता है। हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ, अभी डेथ का क्योंकि अभी बहुत शॉर्ट टाइम हुआ है कहना थोड़ा मुश्किल है। अब सवाल एक ही उठता है कि आम आदमी क्या करे। आम आदमी आज यदि आप इस पोजीशन में हैं कि ये बात सुन रहे हैं मुझे, तो एक तो फिटिंग का मास्क अवश्य पहने, और फिटिंग का मास्क पहने और इसके साथ आप यदि किसी के संपर्क में आते हैं या बातचीत करते हैं तो सबसे पहले अपने यहाँ अक्सर ट्रेंड मैंने देखा कि वो मास्क नीचे उतारते हैं, बल्कि आप उनको ये कहें कि आप मास्क लगाइए, टोकना सीखें। टोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद के प्रोटेक्शन के लिए और दूसरे के प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत जरूरी है। दूसरी सेकेंड डोज वैक्सीन की, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी जैसे 60% के आसपास, 55% के आसपास है, तो वो हमें जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए,
यदि आपने या आपके किसी भी परिचित ने सेकेंड डोज नहीं लगवाई है तो तुरंत आज ही के दिन जाकर अवश्य लगाएं, क्योंकि अब ये जो थर्ड वेव है ये डोर स्टेप पे आ गई है। मैं नहीं कहूंगा थर्ड स्टेप आ गई, लेकिन कॉल बेल बज चुकी है, हमें रेस्पोंड करना है। और ये एक मीटिंग्स, जैसे डॉक्टर सुधीर भंडारी ने बहुत अच्छा बताया कि मीटिंग्स को हम जहां तक हो सके पोस्टपोन कर दें, इसी तरह से यदि मीटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है तो आउटडोर ही करें, और आउटडोर के अंदर भी फिटिंग का मास्क पहन के। इंडोर बिना मास्क के हम मीटिंग नहीं करें, स्पेशली जो ट्रेवल है, ट्रेवल एयर ट्रेवल बहुत ही खतरनाक होता है इसके अंदर, क्योंकि कई घंटों तक एक ही हवा के साथ के अंदर एयर कंडीशन के अंदर बैठते हैं। ये जो अभी साउथ अफ्रीका के जो पेशेंट यहाँ आए थे उनका मैंने अखबार में वर्षन पढ़ा था कि उन्होंने 3 टेस्ट करवा लिए थे, और जब वो रवाना हुए उससे पहले भी करवाया था, पर वो क्योंकि फ्लाइट में आए थे तो चांस ये रहता है कि फ्लाइट के अंदर उनको वो इन्फेक्शन हुआ होगा। तो जहां तक हो सके कुछ समय के लिए हम यदि मीटिंग्स एंड ये फ्लाइट को यदि सस्पेंड कर सकें, या बहुत जरूरी हो तो आउटडोर में ही करें, इनडोर में कदापि नहीं करें, ये महत्वपूर्ण है। एक और है बात जो कि जरूरी है, जरा सी जुकाम या फ्लू के साइन हो तो तुरंत टेस्ट करवाएं। अब वो समय दोबारा आ गया है कि हमें तुरंत टेस्ट कराना चाहिए, और टेस्ट का रिजल्ट जब तक आए तब तक कम से कम हम आइसोलेट हो जाएं। तो आइसोलेशन क्या होगा कि ये जो यदि बीमारी मुझे है तो कम से कम मैं दूसरों को इन्फेक्ट नहीं करूंगा, तो जो आर वैल्यू है जिसको हमें करना है ये हम बचा सकेंगे। तो ये 5 बातें महत्वपूर्ण है, फिटिंग का मास्क एंड टोकना, वैक्सीन लगवाना, दूसरी चीज हम मीटिंग्स जो है वो हम कलेक्टिवली कुछ समय के लिए अवॉइड करें, इस जुखाम और फ्लू के साइन के साथ में हम टेस्ट अवश्य कराएं, और अपनों को बचाने के लिए खुद को आइसोलेट करके रखें। यदि हम इनका कर लेंगे, इनका पालन कर लेंगे, तो सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, वो बात होगी तो हम बच पाएंगे, यदि तीसरी लहर सीवियर आती है तो भी। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अशोक अग्रवाल जो SMS मेडिकल कॉलेज से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनसे कि वो अपनी बात कहें। डॉक्टर अशोक अग्रवाल। हाँ नमस्कार सर, मैं अशोक अग्रवाल बोल रहा हूँ। विश्व में अभी 10 लाख केस रोज के हो रहे हैं, इसमें करीबन 3 लाख केस अमेरिका में हो रहे हैं, 1.5 लाख केस इंग्लैंड में, जिसकी जनसंख्या राजस्थान से भी कम है, वहाँ 1.5 लाख केसेस रोज के हो रहे हैं। इसलिए समस्या तो बहुत गंभीर है, और इन 10 लाख केसेस में किसी को ये पता नहीं है कि इसमें ओमिक्रॉन है, क्योंकि ओमिक्रॉन का टेस्ट करने के लिए जीनोम टेस्टिंग करनी पड़ती है, जिसमें समय बहुत लगता है, खर्च बहुत लगता है। राजस्थान तो पूरे भारतवर्ष में काफ़ी अग्रणी रहा है, क्योंकि राजस्थान ने अपनी ही जीनोम टेस्टिंग लैब बना ली है, जिसके कारण हमें जल्दी जल्दी मालूम पढ़ पा रहा है कि हमारे यहाँ केसेस कैसे हैं। तो मेरा ये कहना है कि भारतवर्ष में अभी तक पूरे सही आंकड़े हमारे पास हैं नहीं, जो हमें कहते हैं कि 7,000-8,000 केसेस हैं भारतवर्ष में, ये कमी है, कमी बता रहे हैं, मेरे ख्याल से इससे काफ़ी ज़्यादा हैं। और इसमें ओमाइक्रोन के केस हैं, इसके तो हमें कोई जानकारी है ही नहीं, तो टेस्ट हो रहा है तो उसका मान कैसे पड़ेगा हमें। सर तो दूसरी बात ये है, हमारे राजस्थान में 1,30,000 लोगों ने सेकंड डोज नहीं लगवाई। सबसे बड़ी बात यह है कि 1,30,000 लोगों को हम कैसे खोजें, कैसे मोटिवेट करें, और कैसे उनको वैक्सीन लगवाएं, इसका एक बहुत बड़ा अभियान हमें चालू करना पड़ेगा। बूस्टर तो बहुत ज़रूरी है ही लगाना, लेकिन जिनको सेकंड डोज नहीं लगे हैं या पहली डोज को लगे इनको 8-9 महीने हो गए हैं, तो हो सकता है उनको फिर से पहली डोज और सेकंड डोज लगाना पड़े। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि इसके लिए बहुत ज़्यादा सख्ती करनी चाहिए। ओमिक्रॉन जैसे अभी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने और सुधीर भंडारी जी ने बताया है
तीन गुना तेजी से फैलता है। मैंने एक आंकड़ा ये लगाया है कि भी जब पहली वेव आई थी, पहली बार जब हुआ था अपने यहाँ, तो एक परिवार में 6 लोगों में तो 2 लोगों को इन्फेक्शन होता था कोरोना का। तो दूसरी वेव आई जिसको हम लोग डेल्टा वेव कहते हैं, तो परिवार के सभी लोगों को होने लगा था, सभी को इन्फेक्शन हो जाता था। अब की बार में अगर इन्फेक्शन होता है तो सिर्फ परिवार में ही नहीं, आस पास पड़ोस में भी सबको ओमिक्रॉन होने का भय रहता है। ये होते ही क्योंकि इसी टेस्टिंग में मालूम नहीं पड़ा कि ओमिक्रॉन है या क्या है, तो ये बहुत जल्दी से ही फैलेगा। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि बूस्टर डोज के लिए हमें भारत सरकार को लिखना चाहिए, क्योंकि बिना भारत सरकार की मंजूरी से शायद हम बूस्टर डोज लगा नहीं सकते। तो बूस्टर डोज के लिए और वैक्सीन के लिए 12 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीन की एफिकेसी पूरे विश्व विदित है। हर वर्ष में वो वैक्सीन इंपोर्ट नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो वैक्सीन लगाए नहीं जा रहे हैं जो mRNA वैक्सीन हैं। तो हमें राजस्थान को भारत सरकार को लिखना चाहिए कि बूस्टर डोज भी लगवाएं और 12 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन भी लगवाएं, चाहे उसके उन्हें इंपोर्ट करना पड़े। कुछ लोग मुझे कह रहे थे, पता नहीं उसके बाद अंदरूनी खबर कैसे है, कि इसमें खर्च बहुत आएगा। तो मेरे को जहाँ तक ध्यान में है, भारत सरकार ने पिछले साल के बजट में करीब 35,000 करोड़ रुपये वैक्सीनेशन के लिए लगाए थे, और उसमें अगर पता लगाया जाए तो काफ़ी पैसा खर्च नहीं हुआ है। तो इसलिए कोई खर्च वाली बात नहीं होनी चाहिए कि भाई इसमें खर्च ज़्यादा हो जाएगा। जरूरी है कि हमारे बच्चों को भी हमें बचाना है, और एक भी बच्चा को अगर वैक्सीन ये हो जाता है ओमिक्रॉन या डेल्टा कुछ भी हो जाता है, उससे कुछ बच्चे का नुकसान हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात होगी। लास्ट में सर, मुझे लगता है कि राजस्थान पूरे देश में अग्रणी है, और बहुत अच्छे से पिछले 2 साल से राजस्थान ने इसको संभाला है, तो आगे भी अग्रणी रहे इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट अपने डाटा खुद ही तैयार करे, भारत सरकार के डाटा के ऊपर सिर्फ निर्भर न रहे, क्योंकि डाटा से हम लोग काफ़ी कार्य अपने आप अपने ढंग से कर सकते हैं। और हमारे यहाँ तो इतने मेडिकल कॉलेज हैं, सब मेडिकल कॉलेज में PSM डिपार्टमेंट हैं, वो लोग अपने डाटा बना सकते हैं और हमें बता सकते हैं इसके बारे में। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अग्रवाल। अब मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर RK गुप्ता जो पीडियाट्रिशियन है, उनसे ही वो अपनी बात कहें। हाँ नमस्कार सर, माननीय CM साहब, HM साहब एवं अन्य सभी गणमान्य जन, मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों में ऐसा मानते हैं कि ये कोरोना जो है माइल्ड होता है, और अधिकांश बच्चों में माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक होता है, पर कुछ बच्चों में जैसे कि जो 1 साल से छोटे हैं या जिनको साथ में कोई और बीमारी है जैसे मोटापा, हृदय रोग, किडनी का रोग, लिवर का रोग, या जिनको कैंसर है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, उनमें ये बीमारी खतरनाक भी हो सकती है। और जैसा कि हमने सेकेंड वेव में देखा था कि बच्चों में भी मोर्टलिटी बड़ों के बराबरी है, उससे थोड़ी सी ही कम है जो भर्ती हो जाते हैं बच्चों में। अधिकतर बच्चों को भर्ती नहीं करना पड़ता, ये एक ज़रूरी बात है। अब मैं सर ये एक भी कहूँगा कि बच्चे अपने यहाँ 15% के आसपास आ रहे हैं, किंतु जाँच भी बच्चों में चूँकि सिम्टम्स कम होते हैं तो उनकी जाँच भी थोड़ी कम होती है। तो जैसे कि अमेरिका का डेटा आ रहा है कि वहाँ करीबन 25% जो बच्चे हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, जितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें से 25% बच्चे हैं। तो ये जानना जरूरी है कि बच्चों में लक्षण क्या हो सकते हैं, तब हम उनकी जांच ज़्यादा करा पाएंगे। जैसे कि बुखार, खांसी, गले में दर्द, दस्त होना, बच्चों में ये जो कोरोना है दस्त की तरह भी आ सकता है, सिर्फ बुखार के साथ ठंड लग के आ सकता है, और छोटे बच्चों में चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। जैसे 1 साल से छोटे बच्चे कई ऐसे आते हैं जिनमें चिड़चिड़ापन होता है, उनमें भी ये कोरोना निकलता है, और मसल पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है। मैं ये कहना चाहूँगा सर कि बच्चों का भी कोरोना माइल्ड होने के बावजूद हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो किसी किसी कंडीशन में ज़्यादा सीरियस भी हो सकते हैं, और इन बच्चों में कई बच्चों में ठीक होने के बाद, जैसा कि माननीय भंडारी सर ने बताया कि एक MISC करके डिजीज होती है जो कि कोरोना होने के 1 से 3 महीने बाद होती है, जिसमें कि बच्चे को फीवर आता है दोबारा,
और उसका लिवर काम करना कम कर देता है, किडनी काम करना कम कर देती है, उसका बीपी कम हो जाता है, बॉडी में दाने हो जाते हैं, गांठें बन जाती हैं, और इनमें से यदि इलाज नहीं किया जाए तो बहुत सारे बच्चों की मृत्यु भी हो सकती है। किंतु इस बीमारी का शत प्रतिशत इलाज भी है, यदि वो समय पर अस्पताल आ जाता है तो उसकी प्रॉपर दवाइयाँ चलती हैं, स्टेरॉइड्स और IVIG, जिससे कि वो पूरी तरह से रिकवर भी हो सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि MISC के पेशेंट जो है वो अपने से मिस नहीं हो, और बच्चों में कोरोना की जानकारी के लिए हम बच्चों में कोरोना के लक्षण जानें और उससे हम इसको डिटेक्ट करें। सर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो बच्चों में अपन बचाव कैसे कर सकते हैं, तो सर इसके लिए बच्चों में वैक्सीनेशन तो आज की डेट में भारत में उपलब्ध नहीं है, गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया है, जबकि पूरे विश्व में 100 से अधिक कंट्रीज में 12 साल से बड़े बच्चों में वैक्सीनेशन उपलब्ध किया जा चुका है, और करीबन 40 कंट्रीज में 5 से 12 साल के बच्चों में किया जा चुका है, और करीबन 20 कंट्रीज में 2 साल से 5 साल के बच्चों में किया जा चुका है। अपने यहाँ पे जो है कि सैनिटेशन, सेफ डिस्टेंसिंग और मास्क, तो 5 साल से बड़े बच्चे को मास्क आराम से पहनाया जा सकता है, और 2 से 5 साल के बच्चे को कपड़े का बना हुआ मास्क पहना सकते हैं यदि ज़रूरत हो जब वो बाहर जाए, घर में मास्क की ज़रूरत नहीं। दूसरा सर इसमें महत्वपूर्ण बात जो है, जो कि भंडारी सर ने भी बताया और माननीय चिकित्सा सचिव सर ने बताया, कि जो फर्स्ट और सेकंड डोज यदि पेरेंट्स को लगेगी और उनके ग्रैंड पेरेंट्स को लगेगी या केयर टेकर को लगेगी, तो उससे बच्चा सुरक्षित होगा। तो जिनके छोटे बच्चे हैं उन पेरेंट्स में ये बहुत ज़रूरी है कि वो वैक्सीन लगवाएं, जिससे उनका भी बचाव होगा और उनके बच्चों का भी बचाव। साथ ही साथ स्कूल में जितने भी लोग काम करते हैं, स्कूल के टीचर्स, स्कूल के वर्कर्स, बाइयाँ जो स्कूल में ट्रांसपोर्ट करते हैं, उन सब के लिए वैक्सीनेशन कंपलसरी होना चाहिए, जिससे कि वो बच्चों तक उनमें बीमारी नहीं पहुंच पाए। और स्कूलों में वेंटिलेशन का विशेष ध्यान रखना है कि स्कूलों में जो कमरे हैं उनकी खिड़की दरवाजे हमेशा खुले रहें और बच्चे जो हैं डिस्टेंसिंग पर बैठे। तो ये है सर, और आई थिंक इससे अपन बच्चों में बचाव कर सकते हैं और फैमिली मेम्बर्स का अपन ध्यान रख सकते हैं, तो इस तरीके से अपन बच्चों में बचाव कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर आरके गुप्ता। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से मैं निवेदन करूंगा DGP साहब श्री ML अठे साहब से अपनी बात करें। नमस्कार सर, जैसा कि अभी हमने देखा है कि जितने भी एक्सपर्ट्स के अनुभव हैं और उनके जो निर्देश हैं वो एकदम साफ हैं कि जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो जल्दी से जल्दी हमें पूरी करनी चाहिए, और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का हो, चाहे वो मास्क पहनने का हो, और चाहे वो सैनिटाइजर इस्तेमाल करने का हो, हमें इनका पालन करना चाहिए। अभी जो नया साल आने वाला है, कल से ही जो क्रिसमस का पर्व होने जा रहा है, इन सब पर हमें ध्यान देना होगा कि थोड़ी सी भी लापरवाही है वो घातक सिद्ध हो सकती है। तो हमें अभी जो एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स ने बताया कि भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से जब तक आवश्यक ना हो जाना नहीं चाहिए, और घर पे ही रहना सुरक्षित है। कोशिश रहे कि खुद भी नियमों की पालना करें और जो भी आपके साथ हैं उनसे भी नियमों की पालना करवाएं, तभी हम इस थर्ड वेव से बच सकते हैं। और जहाँ तक इन नियमों की पालना हमारे स्तर पर करवाने की है, वो फिर हमें यदि लोग इसकी पालना नहीं करेंगे, ये बाध्य करेंगे कि हम फिर वही जुर्माना करना, अरेस्ट करना, ये जो प्रक्रिया जो दंडात्मक है वो अमल में लाई जाएंगी। तो बेहतर होगा कि हम इन नियमों की पालना करें और इस बीमारी से बचें। धन्यवाद। जय हिंद। श्रीमान अभय कुमार जी, प्रमुख शासन सचिव करें। सर, गृह मंत्रालय द्वारा जो आदेश जारी किया गया था भारत सरकार का, वो 28 सितंबर का था, और जिसको अभी 31 दिसंबर तक बढ़ा रखा है। इस बीच में सर, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है भारत सरकार का, उन्होंने 21 दिसंबर 2021 को गाइडलाइंस जारी किए हैं सर,
और उन गाइडलाइंस का फोकस 6 बिंदुओं पे है और उन 6 बिंदुओं में से सबसे महत्वपूर्ण वही है जिसकी वैभव जी और डॉक्टर भंडारी साहब जिक्र कर रहे थे, वो वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ है सर। क्योंकि जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया था कि जिन लोगों की वैक्सीनेशन हो रखी है उनमें जो सीरियस केसेस होने की संभावना कम हो जाती है सर, तो इन इस परिस्थिति में जो हमारे स्टेट का जो गाइडलाइन है, जो बेसिकली भी डॉक्टर साहब वीरेंद्र सिंह जी ने भी पूछा था कि सर आम आदमी क्या करें, तो बेसिकली हमारे हाथ में अनुशासन है, जो हमारा एक जन अनुशासन का कैंपेन है सर, और उसमें भी जो मेन फोकस स्टेट का है वो है कि हम वैक्सीनेशन पे जोर दें। अभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, कोचिंग संस्थान के शैक्षणिक वो अशैक्षणिक जो भी स्टाफ है सर, जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जो जिनका संस्थान में आवागमन रहता है जैसे बस, ऑटो और कैब के चालक, उनके लिए सर वैक्सीनेशन के दोनों खुराक को अनिवार्य कर रखा है। हमारे सबकी दायित्व बनता है कि हम इसको सुनिश्चित कराएं। इसी प्रकार से जो मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब में 18 वर्ष से अधिक आयु के जितने लोग जा रहे हैं उनको भी ये माना गया है कि जो संचालक हैं वो सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा वैक्सीनेशन के दोनों खुराक लगवा लिए गए हैं। इसी प्रकार से जो बाजार हैं, दुकानदार हैं, जो उनके स्टाफ हैं, उनसे भी अपेक्षा की जाती है कि जितने लोगों से इंटरेक्ट करें जो 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं उनके दोनों वैक्सीन हो गए। और जो राजकीय सेवक हैं और जो ऑफिस आते हैं जिन्होंने अभी तक सेकेंड डोज नहीं करवाया है सर, उनसे हमारी अपेक्षा है कि जो कार्यालय अध्यक्ष हैं, जो विभाग अध्यक्ष हैं, वो सुनिश्चित करें कि वो अपना फुली वैक्सीनेटेड हो जाएं। सर वैक्सीनेशन इसलिए आवश्यक है कि हम भविष्य में अपने को सीरियस बीमारी से बचा सकें। अभी एक बात और कही थी डॉक्टर साहब ने जो इम्पोर्टेंट है कि ओमिक्रॉन के सीरियस इन्फेक्शन से तो वैक्सीनेशन बचा सकता है सर, बट अभी हमें नहीं हो इसके लिए मास्क लगाना बहुत आवश्यक है सर, और मास्क ही वो है जैसे भी उन्होंने दिखाया था सर कि 1. दोनों व्यक्ति यदि मास्क लगाएं तो 1.5% तक वो रुक जाता है। उस इशू पे भी जो भारत सरकार की गाइडलाइंस पे जिन 6 बिंदुओं का मैंने जिक्र किया था उनमें से एक बिंदु ये है कम्युनिटी इंगेजमेंट और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में लोगों को जागरूक करना, तो एक तो वैक्सीनेशन के एडवांटेजेस और मास्किंग के एडवांटेजेस सर ये हमारा अभियान है सर। तीसरी बात जो उन्होंने लिखी है सर इस गाइडलाइन में वो है कि हमें आते हुए थ्रेट को एंटिसिपेट करते हुए वॉर रूम सेटअप कर देना चाहिए सर, वो आपके मार्गदर्शन में हम इस पे आगे निर्णय ले लेंगे सर। जो कुछ अन्य राज्यों ने सर इसमें स्टेप्स उठाए हैं जिसका उल्लेख डॉक्टर भंडारी साहब ने किया था और जो यूरोप के बारे में भी बताया गया था सर, वो है रिस्ट्रिक्शंस लेके, रिस्ट्रिक्शंस इन द सेंस कि हमें ओवरक्राउडिंग रोकना चाहिए, हमें क्राउडेड प्लेसेस को रोकना चाहिए। तो सर मेरी अपील तो यही है कि जन अनुशासन की भावना यही कहती है कि यदि आवश्यक नहीं हो तो क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाएं, क्राउड्स को अपन अवॉइड करें। कुछ राज्यों ने 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, बट उसका भी फोकस सिर्फ इतना ही सा है सर कि क्राउडिंग कम हो और जो लोग जाएं वो प्रॉपर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें सर। कुछ स्टेट्स ने इसमें बैन भी लगाया जैसे डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे, लेकिन उसके जो ट्रिगर्स हैं सर वो हैं कि टोटल पॉजिटिविटी रेट कितनी होनी चाहिए, अपने आईसीयू बेड्स की ऑक्यूपेंसी कितनी हो, ऑक्सीजन बेड्स की ऑक्यूपेंसी कितनी हो, तो उन सब लिहाज से अभी सर जो स्थिति राजस्थान में है वो काफी अनुकूल है और नियंत्रण में है। एक सुझाव जरूर आया है कि जहां भी गैदरिंग्स बड़े हो रहे हैं और हमारे यहाँ ये सिस्टम पहले से डेवलप्ड है, तो जो बड़े गैदरिंग्स कर रहे हैं वो हमारे ई इंटीमेशन पोर्टल में सूचना दे दें कि हमारे यहाँ ये गैदरिंग हो रही है, जिसकी संख्या ज्यादा है उसकी संख्या बैठ के तय की जा सकती है सर, ताकि लोगों को भी ध्यान में रहे और जब बड़ी गैदरिंग में है तो लोग खुद भी सोचेंगे कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, संक्रमण की संभावना रहती है सर। इसके अलावा जो 3 बिंदु थे सर जिसके बारे में वैभव जी ने बता ही दिया था सर, वो कंटेनमेंट से जुड़ा था, टेस्टिंग एंड सर्वेलेंस एंड क्लिनिकल मैनेजमेंट का था। सर्वेलेंस के संदर्भ में सिर्फ एक बात की ओर फोकस रखेंगे सर कि जो
अपने एयर सुविधा पोर्टल से जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको हमने अपने फॉर्म 4 में जोड़ लिया ताकि उसको ट्रैकिंग बेटर कर सकें। और जिस प्रकार से अभी थोड़ी सी समस्या आ रही थी कि उनके ट्रैकिंग में, तो सर जो पहले हमारे एक सिस्टम था क्यू टास्क का कि मोबाइल बेसिस पे हम ऑटोमेटिक ट्रैकिंग कर सकें, उसको हम प्रारंभ करने पर विचार कर सकते हैं सर। सर यही सुझाव थे सर। धन्यवाद सर। तो बोलना चाहते हैं डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं, कोई किसी के दिमाग में बात हो तो आप बोल सकते हो। ये वीसी ओपन है इसलिए पब्लिक सुनना चाहती है। अगर आप मेरे को बोलना चाहते हैं क्या, बोलिए गुप्ता जी। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। डॉक्टर पी आर गुप्ता निवेदन कर रहा हूँ। एक बात तो यह है कि राजस्थान कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन में काफी अग्रणी है, लेकिन हमें इसकी जो मनोविज्ञान को भी समझना होगा। पहली डोज के लिए लोग मारामारी कर रहे थे और सेकंड डोज के लिए पीछे हट रहे हैं। राजस्थान सरकार का धन्यवाद कि उन्होंने पिछले 23 दिन में काफी कवर किया है, लेकिन इस मनोविज्ञान का अर्थ यह है कि लोगों में जो डर पहली वेव सेकंड वेव का था वो धीरे धीरे खत्म हो गया, और इसलिए पहली डोज के लिए बहुत जल्दी आए, झगड़ा भी किया, लेकिन सेकेंड डोज के लिए लोग आगे नहीं आ रहे हैं। तो जो हम ये बात कर रहे हैं बार बार कि कोरोना जो ओमाइक्रोन है उससे गंभीर बीमारी नहीं होती, ये इस डर को पूरी तरह से खत्म कर रहा है। कहना यह होगा कि ओमिक्रोन से अभी तक के जो आंकड़े हैं उससे माइल्ड बीमारी होती है, लेकिन आगे जाके क्या होगा इसका अभी निश्चित तौर पर नहीं कह सकते। और दूसरी बात यह है कि ओमिक्रोन कहां से आया, डेल्टा कहां से आया, ये सब वायरस का अपना बदलाव है जो कि डिपेंड करता है टोटली आर वैल्यू पे। यदि आर वैल्यू अधिक होगी जो कि ओमिक्रोन की बहुत ज्यादा है, तो ओमिक्रोन आखिरी बदलाव नहीं है ये वायरस में, आगे भी बदलाव होंगे, और आगे जो बदलाव होगा वो कितना खतरनाक होगा इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए जो जनमानस में जो डर खत्म हुआ है उस डर को हम और खत्म ना करें बार बार ये कहकर कि ओमिक्रोन खतरनाक है, बल्कि उसको मेंटेन करें कि ओमिक्रोन अधिक संक्रमित है और अधिक लोगों में फैलाव है इसका, इसलिए इससे बचाव करें। वैक्सीनेशन पे जो हमारा जुखाव है वो बहुत अच्छा है और बूस्टर डोज का सुझाव वो भी अच्छा है, लेकिन मेरा तो ये सुझाव है कि जो इसकी फैलाव की क्षमता है उसको रोके ताकि और बदलाव जो वैक्सीन इसमें कोरोना वायरस में आ सकता है वो ना आए। आगे वाला बदलाव कितना खतरनाक होगा हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, मेरा ये कहना है। थैंक यू। डॉक्टर मनीष आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि जो ज़ाइकोव कैडिला की पीडियाट्रिक एज के लिए वैक्सीन है 12 से 18 साल की जो कि अभी अप्रूवल होने वाला है उसका, उसके उसकी फेज 3 ट्रायल्स हो चुकी हैं, लेकिन उसके लिए जो स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्धारित करी है वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल को अप्रूव करा है। तो अनलकीली ज़ाइकोव जो 12 से 18 साल के लिए पहली पीडियाट्रिक वैक्सीन आ रही है उसकी उसको लगाने के लिए अभी तक केंद्र सरकार से राजस्थान को उन्होंने अप्रूव नहीं करा है। तो सर ये थोड़ा सा मतलब एक सोचने वाला विषय है क्योंकि MISC के पेशेंट्स आने लग गए हैं ICU के अंदर, और MISC आ रहा है इसका मतलब ये है कि सटल वे में एक एक छुपे तौर के ऊपर कोविड पिछले 1-1.5 महीने से बच्चों के अंदर स्प्रेड होने लग गया है। तो वो किसी भी ऊपर फिर वो एक विस्फोटक स्थिति आ सकती है उसमें। थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई डॉक्टर साहबान कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू। माननीय गृह राज्य मंत्री से निवेदन करूंगा। सर बहुत ही विस्तार से स्वास्थ्य विभाग ने, होम डिपार्टमेंट ने अपनी बात रखी है। जैसे आंकड़े हैं विदेशों के,
और जो हालात हैं उसको देखते हुए अभी राजस्थान में हमें मेडिकल जो हमारा है इसमें ऑक्सीजन और वो तैयारी अपनी पूरी रखनी चाहिए और मास्क वगैरह का जो है उस पे सख्ती करनी चाहिए पूरे में, और जो बड़ी गैदरिंग्स हैं उसका वॉच करके उनको भी आगे जो है आने वाले टाइम में, अभी ये मलमास के बाद शादी विवाह चलेंगे तब तक स्थिति देख करके इस पे सोच के जैसे पहले करा था उस हिसाब से इसको करना चाहिए सर। धन्यवाद मंत्री महोदय। माननीय मुख्य सचिव महोदय से निवेदन करूंगा। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, चिकित्सा मंत्री जी एवं गृह राज्य मंत्री महोदय और सभी चिकित्सक गण एवं अधिकारी साथियों, काफी विस्तार से चर्चा हो गई है इसलिए मैं सारी बातों पर पुनः आपका समय नहीं लूंगा। दो चार बातें हैं जो मैं आपसे और विशेषकर जो जिला कलेक्टर्स हैं डॉक्टर्स हैं, पहला तो मुझे यही कहना है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस ओमिक्रॉन के बाद इस पूरे प्रकरण में गंभीरता से मॉनिटरिंग और रिव्यू मीटिंग शुरू करी है, तो ये एक संदेश है हम सब अधिकारियों के लिए कि हम भी इसको पुनः उसी गंभीरता से जिस तरह से हमने फेज वन और फेज टू में कार्य किया है उसी गंभीरता से हमको लेना चाहिए। तो मैं अपेक्षा करता हूँ सभी जिला कलेक्टरों से और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से कि इसको जिस गंभीरता से सरकार ले रही है उसी गंभीरता से नीचे स्तर पर भी इस पर कार्य होना चाहिए। दूसरी बात, जो मेडिकल की तरफ से अभी आपने देखा होगा कि प्रेजेंटेशंस भी हुए और चिकित्सक गणों ने हमको काफी इसमें आगाह किया है और अपनी सूचना से हमको अवगत कराया है। डॉक्टर भंडारी जब अपना प्रेजेंटेशन कर रहे थे तो सबके लास्ट में उन्होंने कहा था कि हम तैयार हैं। मैं सोचता हूँ कि चिकित्सा विभाग के लिए ये बहुत जरूरी है संदेश या एक आदेश समझा जाए सरकार की ओर से कि जो भी तैयारियां हमको करनी है वो अब हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, चाहे भले आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इक्विपमेंट्स की बात हो, या मैन पावर की बात हो, या ड्रग्स की बात हो, तो हम इस स्टेज में आ जाने चाहिए कि हम अब तैयार हैं। और अब तो हमारे पास फेज वन और फेज टू का एक्सपीरियंस भी है। जब फेज वन आया था आपको याद होगा फरवरी मार्च 2020 में जब स्टार्ट हुआ तो 1, 2, 3, 4, 5 केसेस आते थे और उससे हम लोग किस टेंशन में या किस तैयारी से हम लोग आगे बढ़े थे। तो अब तो हमारे पास दो फेज को डील करने का अनुभव भी है, तो इसलिए अगर ऐसी कोई बात आती तो हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं रहे, ये मैं चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से भी चाहूंगा। एक बात जो मुझे जिला कलेक्टर्स और जिला प्रशासन को कहनी है वो है कि कलेक्टर्स को इस पूरे कैंपेन को यद्यपि अभी तक फेज वन और फेज टू में उनके नेतृत्व में जिले में अच्छे काम हुए हैं, लेकिन अब पुनः है उस लीडरशिप जो एलिमेंट आपका होता है उसको आप वापस लाइए इस कोरोना के लिए। तो प्रतापगढ़ जिला सबसे अच्छा सर्वाधिक जिसने किया है अभी तक, और उसके बाद दूसरे नंबर पे जब वैभव गालिया जी बता रहे थे तो वो बूंदी का नाम ले रहे थे, प्रतापगढ़ और बूंदी ये दोनों जिले। यद्यपि इस काम में कोई एकमात्र कलेक्टर की भूमिका नहीं होती है, चिकित्सा विभाग की सर्वोपरि भूमिका है, जनप्रतिनिधियों का सहयोग है, जनता की बात है, मशीन इक्विपमेंट सारी बातें हैं, लेकिन जिले में कलेक्टर की लीडरशिप का भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अगर आप देखेंगे तो प्रतापगढ़ और बूंदी में मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों जगह कलेक्टर, जब प्रतापगढ़ में वो कलेक्टर थे तब वहां प्रतापगढ़ में अच्छा हुआ और वही कलेक्टर जब बूंदी गए तो बूंदी भी नंबर वन हो गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जिला कलेक्टर का रोल रहता है, तो ये सभी जिला कलेक्टर इस बात को देखें कि अगर प्रतापगढ़ और बूंदी में एक कलेक्टर के माध्यम से ये दोनों अचीवमेंट प्राप्त किए हैं तो हमें भी हमारे जिलों में इस बात को लेना चाहिए। मुख्य तो 88% अभी इन्होंने बताया कि हमारा फर्स्ट वैक्सीनेशन डोज हो गया है और 71% ये बता रहे थे कि सेकंड, इसका मतलब 16% का गैप है। ये हो सकता है कि ड्यू डेट 16% की नहीं होगी, लेकिन एक हमारे पास ये टारगेट स्पष्ट है, तो ये जो बात कही जा रही है कि 100% कवरेज होना चाहिए, इसके लिए भी एक कैंपेन जिला प्रशासन और जिला कलेक्टरों को सीएमएचओ को साथ में लेकर करना है ताकि इसको हम और ज्यादा पूरा 100% वैक्सीनेटेड करें। एक और फिगर मेरे को वैभव गालिया जी को भी बताना है कि जब आप अपना प्रेजेंटेशन कर रहे थे तो उसमें संक्रमित व्यक्तियों की संख्या जो है, जो जितने आपने टेस्ट किए उस कुल टेस्ट में से संक्रमित व्यक्तियों की जो संख्या आई वो संख्या आपके बाकी सारे आंकड़े भारतीय आंकड़ों से बहुत अच्छे हैं,
लेकिन ये एक ऐसा फिगर था जिसमें या तो हम भारत से बराबर हैं या भारत से थोड़ा सा ज्यादा भी हैं। तो ये भी देखने की बात है कि संक्रमित व्यक्तियों में से जो कुल टेस्ट में से वो संख्या का प्रतिशत है वो थोड़ा सा ज्यादा था। एक आपने उस प्रेजेंटेशन में ये भी देखा होगा कि जो अक्टूबर और नवंबर में जो आपका ग्राफ था वो वैक्सीनेशन का ग्राफ एक बार आप सीधे 1 करोड़ और 1 करोड़ से चले थे और अक्टूबर नवंबर में अचानक 50,000 और 60,000 आया और उसके बाद अब आप बढ़ा रहे हो। तो यही अगर अक्टूबर नवंबर में भी वो गति उसी रहती तो वैक्सीनेशन में हम और बहुत आगे जा सकते। तो मैं सोचता हूँ कि वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है अब, तो विभाग इसको और सक्षमता से माननीय मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री के निर्देशन में हम कार्यवाही करेंगे ताकि भगवान करे कोरोना की थर्ड फेज ना आए, लेकिन अगर आती है तो हमें इसे उसी मुस्तैदी से और उसी हिम्मत से सामना करना जैसा कि हमने फर्स्ट एंड सेकंड में किया है। धन्यवाद। धन्यवाद मुख्य सचिव महोदय। मैं निवेदन करूंगा माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री महोदय से कि वे अपने संदेश आशीर्वचन प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री जी यादव साहब, सभी अधिकारीगण, आपके पिछले समय निर्देश जो दिए गए थे वैक्सीनेशन के, उसकी सभी अधिकारियों ने गंभीरता से लिया और जो समय 51% के करीब थी आज 72% सेकेंड डोज हो गया और फर्स्ट डोज भी काफी प्रोग्रेस हुई है और ये संतोषजनक है कि अभी 6 दिन और बाकी है। 1 करोड़ से ज्यादा टारगेट की बात थी, 6 दिन और ज्यादा सभी कलेक्टर साहिबान सुन रहे हैं इसको और ज्यादा मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप और ज्यादा इस पर जोर दे, विशेष अभियान चलाकर जैसे अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन को अनिवार्य कर दिया तो हमको भी कोई न कोई कदम उठाकर इसको अनिवार्य कर दिया जाए तो सब लोग अपने आप फिर अपना आप जाके लगवाएंगे। इसको सरकार की ओर से अनिवार्य कर देंगे तो ये रोज रोज का झंझट बार बार कहने का, इसको कोई टाइम पीरियड दे दे कि इसको अनिवार्य कर दे। तमिलनाडु गवर्नमेंट कर सकती है तो हमको भी करना चाहिए। और ये जब भी आपने प्रेजेंटेशन दिया, अमेरिका में एक ही दिन में इतने सारे पॉजिटिव आए और ये ओमिक्रॉन तो बहुत अभी तो लग नहीं रहा कि खतरनाक नहीं है, जैसे विशेषज्ञ डॉक्टर भंडारी ने बताया कि अपना रूप भी बदल सकता है, इसलिए उस सावधानी के लिए हमको वैक्सीनेशन को तो अनिवार्य कर देना चाहिए। और जो 1,30,00,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी वैक्सीन नहीं लगवाई, और दूसरी बात है जो बच्चों के लिए है वो अभी वैक्सीन की व्यवस्था नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि उसकी भी निश्चित रूप से होनी चाहिए। जो गाइडलाइन है अभी, ये नया साल भी आ रहा है, 25 दिसंबर भी आ रहा है, इसमें निश्चित रूप से दूसरे प्रदेशों ने जो नाइट कर्फ्यू लगाए हैं, दूसरी पाबंदियां लगाई है, हमको भी उन पाबंदियों पर विचार करना चाहिए। आसक्ति तो रखनी चाहिए, नहीं तो ये ओमिक्रॉन के पहले सोच रहे थे कि अपने तो 2-3 केस में पीछा छूट जाएगा, पर 22 की संख्या पहुंची, सुखद स्थिति यह सब नेगेटिव हो गए, इसलिए हमको कोई न कोई कठोर कदम, एक तो वैक्सीनेशन को अनिवार्य करना चाहिए, दूसरा ये जो हमारी जो गाइडलाइन है उसको भी भारत सरकार ने भी कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, नाइट कर्फ्यू भी लगाए, विवाह समारोह पाबंदी लगाए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी निश्चित रूप से इसमें हमको कोई न कोई गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। 31 दिसंबर से पहले 31 दिसंबर का जो होता है उस पर तो कोई न कोई विचार करके पाबंदी का ऐलान हमको 1-2 दिन में ही करना चाहिए जैसे मुख्यमंत्री महोदय ने कहा। बाकी मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद वैक्सीनेशन में इनमें सब में और जो अपने RT-PCR है, जो विदेशों से लोग आ रहे हैं, केन्या की एक महिला आई वो भी आकर यहाँ चली गई, हमको पता ही नहीं चला कि ओमिक्रॉन है उसको, इसके थोड़ी सी चिकित्सा विभाग और हम सबको ये बाहर से विदेश से जो आने वाले यात्री हैं उन पर विशेष निगरानी रखी जाए, वो पुलिस और प्रशासन और हेल्थ विभाग की नॉलेज में होनी चाहिए, मास्क का रंग बना हुआ है, क्यों वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, उनकी जांच हो उसके बाद ही उनको। हम दुबई गए थे, दुबई में वहाँ आपका RT-PCR करेंगे एयरपोर्ट पर और उसके बाद आपको रात को ही बता देंगे आपको यहाँ से जाना है कि नहीं जाना है, आप कहाँ रुके हुए हैं, अगर आप पॉजिटिव आ गए तो आपको निकलने नहीं देंगे वहां, तो उनकी ये रिपोर्ट तुरंत आनी चाहिए। उनको मान लो वो पॉजिटिव आते हैं तो उनके ऊपर कोई न कोई पाबंदी निगाह रहनी चाहिए, क्यों वो एक जगह जाएगा 10 जगह जाएगा, साउथ अफ्रीका जो परिवार आए उनके कारण ही ओमिक्रॉन ज्यादा फैला था,
तो हमको इसके लिए विशेष निगरानी दल बनाना चाहिए एयरपोर्ट पर आते अंतर्राष्ट्रीय हवाई एयरप्लेन से, उनको निश्चित रूप से उनकी रहनी चाहिए कि ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रुके हुए हैं, उनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आई है तो उनको घर से घर में ही आइसोलेट करे, वो बाहर नहीं जा सके, ऐसा भी कोई गाइडलाइन हमको जारी करनी चाहिए जिससे एक परिवार दो एक परिवार के कारण हमारे यहाँ 25-22 केस आए, बाकी तो मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं स्वास्थ्य विभाग उनकी पूरी पालना करेगा। एमपी में नाइट कर्फ्यू लगाया है, यूपी में भी लगाया है, सब जगह इस पर आप मुख्यमंत्री महोदय के जो निर्देश है हमारे तो यही है कि आपके जो निर्देश होंगे स्वास्थ्य विभाग उसकी पालना करेगा। और मैं हमारे वैभव जी से कहूंगा कि विभाग को और ज्यादा सख्ती करे, 100% वैक्सीनेशन तमिलनाडु की तरह अनिवार्य करे, उसको जल्दी लगवाए, उससे एक मनोवैज्ञानिक ये ठीक होगा भाई मेरे दोनों वैक्सीन लग गई, हो भी जाएगा तो मुझे कोई खतरा नहीं है, तो ये हर आदमी को सुविधा मिलनी चाहिए। इसके लिए हमको चाहे पटवारियों का सहयोग लेना पड़े, कलेक्टर का पड़े, किसी का भी लेना पड़े, 100% होना चाहिए, ये बात मुझे कहनी थी। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे आशीर्वचन। मंत्री जी ने और आप सबने विस्तार से जो चर्चा की है और एक्सपर्ट जो डॉक्टर भंडारी, वीरेंद्र सिंह जी और गुप्ता जी और अन्य सभी डॉक्टर्स ने, अशोक अग्रवाल जी ने अपनी बात कही, उसके बाद कोई बात ऐसी बचती नहीं है। खाली दो तीन बातें मुझे कहनी है क्योंकि पूरे कंट्री में एक माहौल बन गया है पिछले 3-4 दिन से, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि सेकंड लहर के वक्त में जो थोड़ा लापरवाही हुई और टाइम पे ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पाई, दवाई की व्यवस्था नहीं हो पाई, वेंटिलेटर के साथ बेड नहीं मिल पाए, बम्बई में भी, अहमदाबाद में भी, दिल्ली में भी, तो वो लोग भूले नहीं अभी। इतने इस बार सरकार में समझता हूँ कि जो पूरी दुनिया के अंदर जो सिनेरियो बन गया है और WHO ने जो वार्निंग दी है बुस्ट, वो भी एक बड़ा वार्निंग है। भारत सरकार अभी उसी तरफ आगे नहीं बढ़ रही है बूस्टर डोज के लिए। WHO की मैं समझता हूँ वार्निंग के बाद में अब भारत सरकार को भी इसमें विचार करना चाहिए। सबको लगाने नहीं, उनको जो 60+ है या बीमार है या जिसको जरूरत है उन्हीं को पहले, या जो फ्रंट लाइन पे जो काम करने वाले लोग हैं उन तक ही सीमित है, उनके लिए छूट देनी चाहिए। क्योंकि जो लोग मेडिकल साइड में या अन्य साइड में काम कर रहे हैं, तो बूस्टर डोज के लिए हमें भारत सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा। बार बार कहेंगे तभी दबाव बनेगा। मैंने अनुभव किया है, आपको याद होगा मैंने प्रधानमंत्री जी खुद को कहा था कि आप जो है इसमें ये जो स्टेट पे छोड़ रहे हो, राज्य पे छोड़ रहे हो वैक्सीन का, तो वो खरीदे और लगाए वो संभव नहीं होगा। आपको याद होगा मैं शायद आप बैठे होंगे, मैंने कहा था। और उसके बाद में धीरे धीरे ऐसा माहौल बना के उनको फ्री में घोषणा करनी पड़ी 18+ वालों की, वरना राज्य सरकारें कहा तो प्रतिस्पर्धा करती, कहाँ से खरीदती। और कई मुल्कों ने कह दिया कि हम राज्य सरकार देंगे भी नहीं, भारत सरकार भी देंगे, आपको याद होगा। तो बगैर कुछ कहे हुए कुछ काम चलने वाला नहीं। हम इस बात को बड़े जोर से उठाओ कि बूस्टर डोज हो आवश्यक है, और हमारा फर्ज है कि हम बूस्टर डोज तो सरकार आगे आए उसके लिए, और राज्य सरकार या राज्य सरकार हमारी जो है उसको हमें अनिवार्य करना पड़ेगा, जैसे अभी मंत्री जी कह रहे थे कि वैक्सीन लगाए, ये कोई उसका अधिकार नहीं मना करने का, इसलिए कि वो आदमी खुद के बचाव नहीं कर रहा है, वो आदमी दूसरों को फैला सकता है, तो उसको क्या अधिकार मना करने का। हमने अगर मास्क लगाने का कानून पास किया असेंबली के अंदर, पेनल्टी लगाई है, इसी प्रकार का हम लोग 1 महीने का टाइम दे सकते हैं, 1 महीने में 2 डोज लगा ले, और अन्यथा फिर हम उस पेनल्टी लगा सकते हैं। अनिवार्य करना ही पड़ेगा आपको, जब जा करके लोग आगे आएंगे इसके महत्व को समझेंगे। सीनेरियो जो बन रहा दुनिया में और देश के अंदर, वो तमाम डॉक्टर्स हो चाहे WHO हो और चाहे आपके अमेरिका की एजेंसियां हो जो
डॉक्टर मंडाई जी बता रहे थे कि जो प्रतिष्ठित वहाँ के जो जर्नल्स वगैरह हैं वो तमाम जो है जो प्रयोग होते रहते हैं वो बताते रहते हैं ये ऐसा म्यूटेंट या ऐसा वेरिएंट आया है, दुनिया में किसी को नहीं मालूम कि कल कैसे रूप बदलेगा, ये रूप बदलता भी जा रहा है। अब मिक्स करने की बात आ गई कि आप इसको क्या नाम दे दिया, डेल्मिक्रॉन, पता नहीं नाम किसने दिया, डेवल्यूशन दिया या अभी किसी ने दिया नहीं है सर, ये प्रिजम्पशन है कुछ साइंटिस्ट लोगों का कि ये एक नया मिक्सचर होकर नाम देने का अधिकार तो डब्ल्यूएचओ को होना चाहिए सर, इसलिए इसको ऑफिशियली नहीं किया, कुछ डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने इसको कोट मान के चलते हैं कि मतलब एक भावना पकड़ कर दी उन्होंने कि भाई ये मिक्स हो सकता है वेरियंट ओमिक्रॉन और डेल्टा मिक्स हो सकता है। तो ये जो स्थिति हम लोग देख चुके हैं, आर वैल्यू की बात आपने करी, अधिक आएगा तो अभी गुप्ता जी कह रहे थे कि वेरिएंट बदल सकता है, संभावना सब तरह की है कि अगर मान लो ये आपका अभी जो ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा ओमिक्रॉन, जब ज्यादा फैल जाएगा और वो डेल्टा के साथ मिलके पता नहीं क्या रूप धारण कर ले या वो खुद ही अपने म्यूटेंट बदल दे, जब किसी को नहीं मालूम है तो अगर जनता को बचाना, जिंदगी बचानी लोगों की, तो हमें तमाम वो कदम उठाना चाहिए जो कि उसकी जिंदगी बच सके। एमरजेंसी आने पर, एमरजेंसी आने के बाद में अपन भुग चुके हैं ऑक्सीजन को लेके, दवाइयों को लेके, हमने तो फ्री व्यवस्था कर ली, पर जिन राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे हैं उनने जनता में क्या बीती होगी कि ऑक्सीजन एक घंटे की है, आधा घंटे की और खत्म हो गई, लोग मर गए, चार पांच जगह ऐसी घटना जो हुई है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस बात में बहुत विस्तार से जो हम लोग गए हैं इसीलिए गए हैं, किसी भी कीमत पर हमें जनता में यहाँ पर विश्वास कायम रखना है। मानव स्वभाव होता है कि लापरवाही हो जाती है, जब देखा तो सब कुछ ठीक चल रहा है तो ना मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग है, और उसमें हम पॉलिटिकल पार्टियों की गलती भी है, चुनाव होते रहते हैं हम भाग लेते रहते हैं, इसमें जब तक भारत सरकार खुद आगे नहीं आए कुछ नहीं हो सकता। अब आप बताइए कल इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है प्रधानमंत्री जी को आप चुनाव पोस्टपोन कर दो यूपी के, तो आप कल्पना कीजिए पहली बार की चीफ जस्टिस ने कहा होगा कि आप चुनाव पोस्टपोन करो, आदेश जारी नहीं किए, एडवाइज किया है, बहुत बड़ी बात है। अगर यूपी के चुनाव पोस्टपोन करने की बात की गई है इसके मायने हम क्या निकालें, इसके राजनीतिक मायने भी हो सकते हैं कई लोगों के लिए, इसके जो भावना थी जज साहब की वो भी हो सकती है, वो चिंतित हैं, तो अलग अलग मतलब निकलेंगे। परंतु ये कहना जुडिशरी की साइड से बहुत महत्व रखता है कि किस प्रकार से चुनाव के बारे में, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल देख चुके हैं, सब लोग बिजी रहे वेस्ट बंगाल में, और देखते देखते जैसे मैंने कहा जब ये फैलता है तो पहले से फैला हुआ होता है, वो अपने रूप धारण कर लेता है और वो स्थिति अब बन रखती है। हम 30,000 कर रहे हैं राजस्थान में, 30,000 60 कर दोगे तो डबल आ जाएंगे, ये हो सकता है, तो कोई कह नहीं सकता कुछ भी है। तो मेरा मानना है कि एक तो वैक्सीन का अभियान तो जिम्मेवारी केंद्र सरकार की नहीं, अब हमारी जिम्मेवारी है कि राजस्थान सरकार कैसे इसको अभियान को वापिस, चाहे हमें वीसी करनी पड़े कलेक्टर के साथ, आज रात को भी कर सकते आप रावेल छूट लीजिए क्योंकि फिर छुट्टी आ जाएगी। तो एक तो कलेक्टर्स को पहले की तरह कहना पड़ेगा कि आप इसको सीरियसली लो और ये अभियान आपके ऊपर है, आप किस रूप में क्या कदम उठाते हैं, वो वैक्सीन का अभियान चालू हो, मास्क के लिए वापस एजुकेट करना पड़ेगा, मिस्टर देता बैठे हैं यहाँ पे, मास्क के लिए हमें थोड़ा वापस अभी थोड़ा तो डीजी साहब आप लोग थोड़ा इसको शुरू कर दे, एक साथ सकते नहीं बढ़ सकते ने? पर मैसेज आना ये शक्ति का, कभी कभी भी शक्ति हो सकती है, ये जो प्रेस रोड जाए उसमें भी आना चाहिए कि सरकार शक्ति सख्त कदम उठा सकती है। नाइट कर्फ्यू ऑर्डर लगा हुआ राजस्थान के अंदर, वो भी हमने विड्रॉ नहीं किया है, पर उसमें ढील आ गई अपना आप ही समय के साथ साथ में। तो नाइट कर्फ्यू जो रात को 11 से 5 बजे तक है मेरे ख्याल से, उसको वापस हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। नाइट कर्फ्यू हो गया आपका, ये मास्क वाला शक्ति बरतने का हो गया, पहले पब्लिक को वार्न करेंगे 5-2-4 दिन के लिए,
उसके बाद सकती हो, ऐसा भी नहीं विकल्प दे सकती एकदम हो गया अचानक ही, वो भी ठीक नहीं है। तो ये हो जाए और ये जो वैक्सीन अनिवार्य कर दें हम लोग, कलेक्टर से लगा के पटवारी तक जो है, ये मैसेज हो कि हमें किसी भी कीमत पर मोटिवेट करना है, समझाना है, बड़ा लिस्ट बनानी है उनकी, कौन कौन नहीं लगवा रहा है उसकी लिस्ट बनेगी, उनको बेनिफिशरी से हटाना पड़ेगा, धमकी देनी पड़ेगी हमें उनके खुद के इंटरेस्ट के अंदर। पंजाब ने तो सैलरी रोक दिए, पंजाब ने कहा कि जो वैक्सीन लगाएंगे उनको हम तनख्वाह नहीं देंगे, तमिलनाडु का आप कह रहे हो कंपल्सरी कर दिया, हरियाणा भी कुछ कदम उठाए हैं, सब स्टेट ने अपने अपने तरीके से कदम उठा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हम भुगत भोगी हैं, देख चुके हैं, यहाँ ब्लैक फंगस भी आ गया, कितनी तकलीफ हुई ब्लैक फंगस में, मैं एक पेशेंट को देख के आया, पत्रकार को देखा नहीं जा रहा था, मैं पहचान भी नहीं पाया उसको, जब उसका जबड़ा ही निकाल दो, आंख निकाल दो, और फिर आप उसके लिए वापस को क्या करते हैं वो डॉक्टर लोग, जबड़ा वापस नए बनाते हैं, तो क्या बीतती सोच सकते हैं। प्रोस्थेसिस, ब्लैक फंगस के 500 केस आपके आए थे, 550 केस आए थे, हर एक चेकिंग तो ना हम कर सकते, आप कर सकते हो, जिलों में बड़े अस्पताल में छोटे अस्पताल में कई लोग लाइन से बताए, तो क्या बीतती है वो तो उनके परिवार वाले जानते, वो जानते, ये नौबत क्यों आए, नौबत आए क्यों। तो ये अब कितना ही कुछ कर ले, फिर भी देखिए ब्लैक फंगस महाराष्ट्र में, राजस्थान में, शायद गुजरात में, 2-3 राज्य में ज्यादा आया था। अभी भारत सरकार की ड्यूटी थी वो पूरा रजिस्टर करवाते पूरे देश के अंदर कि 3-4-5 राज्य में क्यों आया, बाकी जगह क्यों नहीं आया, कम क्यों आया, उसे आगे कम से कम नहीं आए, ये तो हो कम से कम। ये तमाम काम भी राज्य सरकार अकेले नहीं कर सकती, भारत सरकार को आगे आना चाहिए। तो मेरा मानना है कि बूस्टर डोज वाली अभियान, हम लोग प्रधानमंत्री को लिखे लेटर, और टोकने वाली बात कही वीरेंद्र सिंह जी ने, ये पहले भी उन्होंने कही थी, लास्ट टाइम भी, टोकने का तो हमें पब्लिक को ही कहना पड़ेगा, भाई आप टोको लोगों को, तो भाई आप तब वो कह पाएंगे, तो वो खुद पहले कन्विंस होंगे, वो खुद ही कन्विंस नहीं हो क्या टोकेगा, वो टोक सकता है जो कमिटमेंट याद कर भाई आपने क्यों नहीं लगाया है, कि वो खुद लगाए पहले लगाए, अदरवाइज नहीं बैठेगा। एक डॉक्टर साहब ने बात की थी, गुप्ता जी ने साथ बात की थी, कि कई मुल्कों के अंदर सब उन्होंने कंट्री की संख्या बताई थी कि जहाँ 2 साल से 5 साल के बच्चों को, कुछ कंट्री में 5 साल से 12 साल के बच्चों को, कुछ में 12 से 18 साल के बच्चों को, 18 की बात तो अपन भी जानते हैं, हमारे यहाँ भी है। तो करीब करीब दुनिया भर के लोग अगर बच्चों तक में पहुंच गए हैं, और हमारा इतना बड़ा मुल्क है, हम बच्चों के बारे में बात ही नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी बहुत चर्चा चलती है खत्म हो जाती है। तो प्रधानमंत्री को पत्र ये भी लिखवाओ कि आप जो है अभी विश्वव्यापी जो महामारी है, ये कोई जानलेवा महामारी, हमारे 8 लाख लोग मेरे ख्याल देश में मरे, 8 लाख के आसपास, अमेरिका और इंग्लैंड और पता नहीं जर्मनी में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ की फिक्र को लेके लोग क्वेश्चन लगाते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट तक। राजस्थान प्रदेश जो आगे रहा है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट धारणा बन गई अनफॉर्चुनेटली कि यह संख्या छिपाई जा रही है, आपने अभी पैकेज दिया नहीं है, या पता नहीं क्या क्या कह दिया उन्होंने, जबकि बिल्कुल ही निराधार है। राजस्थान ने वो काम किया जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के पहले हमने निर्णय किए हैं, चाहे सर्वे की बात हो, चाहे आपको मुआवजा देने की बात हो, हमने पैकेज दिया, हिंदुस्तान में किसी राज्य ने दिया होगा विधवाओं को, ऑर्फन को, बच्चों को, चाहे पालनहार योजना हो और चाहे वो ऑर्फन बच्चों के लिए स्पेशल पैकेज हो। तो इतने कुछ करने के बावजूद भी पता नहीं कहाँ से तो रिपोर्ट जाती है, कौन रिपोर्ट करता है। भारत सरकार को चाहिए था कि राज्यों की रिपोर्ट लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई बताते, वो तो नौबत नहीं आती, पता नहीं किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट जज साहब ने जो कमेंट किया केरला के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, राजस्थान के बारे में, मुझे बहुत दुख हुआ। और कुछ मीडिया वाले राजस्थान में ऐसे ही हैं, उनको मालूम है तभी वो पहले ही अभियान चलाए हुए हैं कि राजस्थान में तो संख्या छिपाई जा रही है। अरे भाई हम बार बार कह रहे हैं संख्या छिपा के क्या कर लेंगे, जब हम आगे बढ़ के इमदाद कर रहे हैं, करीब 8,000 मौतें हुई राजस्थान, लगभग
8,900 हुई, उसमें साढ़े चार आधा 50% हुई महिलाओं विधवाएं हुई है, विधवाएं आधी विधवाएं हुई है अगर 8,000 मत हुई तो। सर 5,000 विधवाएं जबकि आपने सहायता 8,300 को दी है। 5,000 विधवाएं हुई है और हम 8,000 विधवाओं को दे रहे हैं मुआवजा, इसका मतलब बहुत लीलियंटली हम फैसला कर रहे हैं। अगर महिलाओं की संख्या विधवाओं की संख्या 5,500 के लगभग थी, हम 8,000 तक दे रहे हैं, इसका मतलब बहुत लीलियंटली रखते हैं हम लोग। तब भी ये बात हो जाती कई बात, उसको भी मीडिया को क्लियर करना चाहिए, मीडिया में क्लियर करना चाहिए। तो ये चाहे जो मैं समझता हूँ कि स्थिति बहुत खराब है, मैं देखता हूँ कल 2-3 दिन से टीवी में तो सब चैनल्स इसी पे बात कर रहे हैं, सारे आपके जो संपादक आ रहे हैं सारे अखबारों के करीब करीब वो तमाम आपके ओमिक्रॉन पे सिनेरियो पे आ रहे हैं, यूएसए की स्थिति बता रहे हैं, इंग्लैंड की स्थिति बता रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जर्मनी और ये समझ के परे हैं कि वैक्सीन को लेके वहाँ विरोध हो रहा है, वैक्सीन नहीं लगाएंगे हम लोग जो विकसित राष्ट्र कहलाते हैं, ये समझ के परे हम लोगों के लिए, पता नहीं वो किस रूप में ये बातें कर रहे हैं। इसलिए जो आरटीपीसीआर टेस्ट हम कर रहे हैं उसकी संख्या बढ़ाएं तो वैभव जी, दूसरा जो है खाली संख्या बढ़ाने का मतलब नहीं, जब तक कि वो पहले चिन्हित हो स्थान, अकेले आप लोग बात कीजिए स्थान पर चिन्हित करो, एयरपोर्ट का, बस स्टैंड के, या जो केसेस आगे बाहर थे उनकी ट्रेसिंग वाला एरिया कौन सा है, इस पर कैसे बड़ा उसका तो फायदा है, और बाकी हमारे पर 1,00,000 कर देंगे तो कोई फायदा नहीं इसका कोई। तो एरिया चिन्हित करके उसके बाद में हमें ट्रैकिंग जो भी करना हो वो आप देखिए उसको। और मेरे ख्याल से तमाम जो अनुभव हमारे हैं पिछले 1.5 साल के, अब तो 2 साल होने जाएगा मार्च के अंदर, तो 2 साल कम नहीं होते हैं जिंदगी के, का आपने निकाल दिया कोरोना के अंदर, और सबकी एक्टिविटी बंद हो गई, लोग घरों बंद रहे, कई लोग तकलीफ में आ गए, कोई APL BPL बन गए, तो BPL के लोग बेचारे जो है भुखमरी के शिकार हो गए, इतनी बड़ी नाजुक है। राजस्थान ने एक अपनी प्रतिष्ठा बनाई है, इसके लिए मैं तमाम यहाँ के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, हरिजनों को, जो भी हमारे क्या दलित भाई हैं, वाल्मीकि हैं, और पुलिस के कॉन्स्टेबल तक को, और बल्कि राजनीतिक पार्टियों कार्यकर्ताओं को भी, धर्मगुरुओं को भी, NGO को, मैं समझता हूँ पूरे प्रदेशवासियों ने लड़ी लड़ी शानदार तरीके से, तो प्रतिष्ठा जमी है बीरवाड़ा मॉडल लगा अभी तक। अब जो सेकेंड वेव थर्ड वेव की बातें हो रही है, इसमें हम अभी से ही संकल्प ले लें, हम सबको इन्वॉल्व करने का प्रयास करेंगे स्थिति के अनुसार, समय आने पर हम चाहेंगे कि वापिस जो NGO पॉलिटिकल पार्टी के लोग और आम पब्लिक, धर्मगुरु, सरकारी केयर सरकारी सभी लोग मिलकर के पहले की तरह हम जो जंग लड़ेंगे तो रास्ते में बचाने में सफल होंगे, क्योंकि कई जगह स्थिति बहुत बिगड़ी भी है देश के अंदर, गंगा के किनारे, गंगा के अंदर कितनी लाशें देखी, पूरी दुनिया देखी है, विदेशी आते हैं यहाँ पे तो वो जिक्र करते हैं उन लाशों का, तो क्या जाने हुआ देश के अंदर, तो उनमें मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि हर राज्य की अलग अलग स्थिति है, सच्चे तो वो जान सकते हैं, पर राजस्थान में ना तो आंकड़े छिपाने की बात ना होनी चाहिए। अगर कोई कलेक्टर लेवल पर या कोई CMHO लेवल पर, मैं नहीं समझता किसी की हिम्मत हो कि वो आदेश देगा आप छिपाओ, जब सरकार की मंशा ही नहीं छिपाने की है तो क्यों छिपाएंगे वो लोग, नीचे क्यों छिपाएंगे, उनको क्या भय है। कोई संख्या के आधार पर तो हम कलेक्टर का और SP का और सबका कोई परफॉर्मेंस देख नहीं रहे हैं, या CMHO का, डॉक्टर्स का, तो संख्या क्यों छिपाए हम लोग। पर ये जो बातें उठती वो अच्छी बात नहीं है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की VC जो रखी गई थी ओपन, मैं समझता हूँ इसके माध्यम से जो जितने लोगों ने सुनी होगी उनकी भी ड्यूटी बनती है कि हम कैसे इसका मुकाबला करने के लिए, जैसा हमने कहा कोविड में वैक्सीन के लिए मोटिवेट आप लोग करो सबको, मास्क लगाने के लिए, फिजूल बाहर नहीं निकले और भीड़ में नहीं जाए, कई कंटेनर 10 तक का अभी भंडारी जी बता रहे 10 लोगों की गैदरिंग तक में रोक लगा दी कई मुल्कों ने, जर्मनी ने,
तो जब पूरी दुनिया अगर ये कर रही है तो हमें पीछे नहीं रहना चाहिए, हमें राष्ट्रों को बचाना है। बाकी तो भारत सरकार को हम पूरा सहयोग करेंगे इस मामले में, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में जो भी संभव होगा हर राज्य सरकार अपनी बात कहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री ने कल विषय लिए या विषय क्या लिए मीटिंग करी है तो प्राइम मिनिस्टर रिव्यू कर रहे हैं देश में। हम समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री रिव्यू कर रहे हैं, फिर आप ये जो अलावा हाईकोर्ट ने जो बात कही कल, मुझे बड़ा लगा कि इतना बड़ा उन्होंने कमेंट किया है तो ये तो बहुत बड़ी सोच की बात है। और वो अनुभव वेस्ट बंगाल के होगा और निचोड़ निकलता है कि हो सकता है कि जो डॉक्टर लोग कह रहे हैं क्या रूप बदल दे, उस वक्त हाथ पैर फूल जाएंगे सबके। अगर हमें ध्यान नहीं दिया और एक बार स्थिति बिगड़ गई उस वक्त में फिर आप पहले की तरह, पहले नहीं मालूम था कि भाई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ऐसी रहेगी, किसी को नहीं मालूम था, और दवाएं कम पड़ जाएगी और वो स्थिति बनी। अब आपका ऑक्सीजन के प्लांट ज़्यादा लग गए हैं, पर ये जो ओमिक्रॉन आया है ज़्यादा जल्दी फैलने वाला, ये पूरी डेल्टा के अलग मिजाज का है, आगे क्या होगा पता नहीं। तो हम भी क्यों नहीं जागरूक रहें और तमाम वो कदम उठाएं जो हमें उठाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि माहौल बनाने में हम आगे आने वाले वक्त में लगातार प्रयास करेंगे और जनता हमारा साथ देगी, यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। श्रीमान के निर्देशन में हम सभी लोग, समस्त प्रशासनिक मशीनरी लगातार प्रयास करेंगे सर कि वैक्सीनेशन को भी हम आगे लेकर के जाएं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी के जो निर्देश आपने दिए हैं उसको हम समयबद्ध तरीके से पूर्ण करें। धन्यवाद सर। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑपरेशंस के